आज के इस वीडियो में कोई नमस्ते या हालचाल तो शायद मैं पूछने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन इतना आत्मा आज रोई है, आत्मा इतनी दुखी है ये सब चीजें देख के जो हुआ। मैं कभी नहीं चाहता था कि इस तरीके की चीज सोशल मीडिया पे आए। मेरे परिवार की बहुत इज्जत है, मान सम्मान है। आज लेकिन जिस तरीके का वीडियो बना के, स्पेशली उसमें जो मेरे घर का खुद है, इस तरीके की चीजें कही, वो मेरे लिए जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि उस आदमी ने उसी कोख से जन्म लिया जिस कोख से मैंने जन्म लिया, और उस आदमी ने आके हर झूठ में इतना हाँ में हाँ मिलाया, वो सारी चीजें कही। मैं अपनी माँ, मैं कभी अपनी माँ को इस तरीके से यूट्यूब पर लेकर नहीं आता, अपनी माँ को इस तरीके से रुलाते हुए। लेकिन जिस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि किस लेवल पे जाके आज इंसानियत भुला के, रिश्तों की मर्यादा लांघ कर आरोप लगाए गए हैं, झूठे सारे सवाल गढ़े गए हैं, मेरी पूजा पर शक किया गया है। माता रानी, ये अगर आज आप मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी इंसानियत में आपको थोड़ी सी भी शक्ति रखती होगी, आपको इस चीज का इंसाफ जरूर करना होगा। यही मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं भी चाहता तो चुप रह सकता था। मैं अपनी माँ को इस हालत में, मेरी बीवी को इस हालत में मैं कभी नहीं लेके आता। लेकिन आज तो मैंने खुद बोली हूँ कि तू बना, हर मैं बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मेरे घर के अभी तक बची नहीं है। मैं तो शुरू से सबने मेरे को दबाया, मेरे घर पर हुआ सबने, मैं सबसे पहले मेरे को यही बोली कि आप मेरे बेटी के कोई रास्ता निकाल दो, नहीं तो वो कुछ हो जाएगा उसको, तो मैं क्या करेंगे। आप ना कोई रास्ता निकाल के मेरे बेटी को दे दो, आधा पूरा ही दे दो, आधा दे दो, जो भी बोली बोली मेरे से। उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं बोली, परिवार में सारे रिश्तेदार में सब जानते हैं कि मैं सबकी बातें अपने पेट में रखती हूँ। उसके बाद हम माँ बेटे इसको जबरदस्ती मैंने सुमित को ले गई, पानी पिलो। फिर मैं तिलक के दिन गई अपने बेटे पति बहू को लेके, तिलक में बुलाए थे हम गए, फिर वहां खाना पीना हो गया, हम आने लग गए इस चीज का, क्योंकि तिलक का चीज उन्होंने बहुत बाद में बोला है मम्मी। और सबसे पहले जो लड़की देखने गए हैं, आज का इन्होंने चीजें कही, मेरी आत्मा आज मरने से ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे अपनी माँ को इस हालत में, इस वीडियो में लेके आना पड़ रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा जेन्युइनली मन कर रहा है कि मैं कहीं कूद के मर जाऊं या अपनी मैं जान दे दूं। क्योंकि मेरे रहते हुए भी आज मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे परिवार की इज्जत में नहीं बचा पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और ये घाव शायद जीवन भर अब मेरे अंदर भर के रहेगा, इसका कोई मरहम समय नहीं निकाल सकता। ये मैं आज जरूर इस बात को सबके सामने कहूंगा। बात की शुरुआत की कि उन्होंने, मम्मी सबसे पहले आज मुझे ये कहा कि उनको ऊपर भिजवा दिया गया, उनको वो कर दिया गया। इस सारे बातों का जवाब उन्होंने मुझ पर तीन चार जो बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं कि उनको ऊपर भिजवाने में मेरा हक था, मैंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, मैंने उनके ऊपर उनको गालियों का प्रयोग किया है, और मैंने उनके भाई की शादी में जो हंगामा किया, और उसके अलावा उनके यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन के साथ उन्होंने जो कहानी कही, मैं ये सारी चीजों का जवाब आपको कंक्लूजन में दूंगा। लेकिन अब आप स्टोरी जान ही चुके हैं, सोशल मीडिया पर सब तमाशा बिखर चुका है, तो मैं अब बहुत शुरू से शुरुआत करता हूँ। उन्होंने मेरी शादी से इस चीज की शुरुआत की ना, मैं 2016 से जब मेरे भाई की शादी तय हुई थी, मैं उस दिन से अब शुरुआत करता हूँ। इनके पिताजी के यहाँ हम जाते हैं लड़की देखने के लिए, सबसे पहली बात ऑन कैमरा आज मैं बोल रहा हूँ बहुत ओपनली, इनके पिताजी ने बहुत धोखे से हमारे घर रिश्ता किया। मेरी माँ को आज भी वो दिन मुझे याद है, तिलक वाले दिन मेरी माँ छत पे जाके रो रही थी, और मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि सुमित देख ये बोला गया है फोन पर। वो बात अभी मैं नहीं खुल के कहूंगा, लेकिन इससे आगे अगर मौका लगा मैं भी अब बहुत कुछ बोलूंगा सोशल मीडिया पे आके। मेरी माँ का फोन पे ऑलरेडी उनके पापा से बात हो चुका था, उनके पापा ने उधर से कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुन के मेरी माँ छत पर ही रोने लगी, और रोते रोते फिर मुझे किसी ने आके बताया कि भैया आपकी मम्मी जो है ऊपर रो रही है। एंड और मैं भागता हुआ गया, मैंने मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी मुझसे लिपट के इतना रोई कि सुमित आज तिलक में शाम को पूरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं खुद
उस समय मैं नहीं समझ पाया कि मैं अपनी माँ को कैसे संभालूं, मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं, क्योंकि हमने समाज में बहुत इज्जत कमाई है। आज जो चली गई उस चीज का बहुत दुख है, लेकिन हमने समाज में, मेरे माँ बाप ने, खासतौर पे मेरी माँ ने बहुत इज्जत बनाई थी, जो आज किसी एक इंसान की वजह से एकदम चरमरा के रह गई है इस सोशल मीडिया पे। फिर भी मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी कोई बात नहीं, आज मैंने बोली हूँ कि बेटा आज मैं बोलूंगी वीडियो में कि ये हमेशा वो टॉर्चर की बात करती है। उस औरत ने इतना टॉर्चर किया है मेरी माँ को, मुझे, इस औरत को जो पीछे बैठी हुई है, जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में हम उनके साथ इतना कुछ झेलते हैं, वो मेरी माँ नौकरों की तरह छोटे होने का फर्ज चुपचाप निभाते रहे। मेरी माँ ने नौकरों की तरह काम किया है छोटी बहू के साथ लग के, कि चलो घर का माहौल खराब ना हो, वो जो कर रही हैं, जैसा कर रही हैं उनको कर लेने दीजिए, किचन में कोई काम में हाथ नहीं बटाना, घर पे कोई बोर्ड, फ्लोर हमने बांटा, फ्लोर तो आपने अपनी हरकतों से बांटा। इस फ्लोर में आप एक पिया हुआ गिलास उठा के आप अपने किचन में नहीं रखती हैं, और आप हमें कह रही हैं कि हमने फ्लोर बांटा। वीडियो छह महीने से तो सुबह उठ के ससुर के एक कप चाय नहीं बना के देती, मैं बना के देता हूँ। मैंने कभी ये चीज बोला? बेटा बना के मैंने ये चीज कभी बोली? बोला ना। अगर आज जो वो मुझे चैलेंज कर रही है कि मेरे को शुरू से उनसे दिक्कत है, मैं ओपनली आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा इंसान था कि वो आज इस घर की बहू बनके टिकी हुई है, ना तो उनका पति आज इसके साथ तो बैठ के, क्योंकि मैंने भी मना करी थी कि सुमित शादी नहीं करना, मेरे बड़ा लड़का भी बोला कि मम्मी शादी नहीं करना मेरे को, इसने बोला कि नहीं मम्मी शादी करना है, कोई बात नहीं, किसी के लड़की है हमने देख लिए तो शादी आप करो, कोई बात नहीं। फिर मेरा लड़का जब गुस्सा हुआ था एक बार तो बोलता था मैं नहीं रखूंगा, मेरे जैसा आदमी था, मैं बोलता था कि मम्मी अगर वो नहीं रखेगा, अगर मेरे भाई ने उनको छोड़ दिया ना तो मैं अपनी शादी उनसे करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की इज्जत नहीं बर्बाद होने दूंगा, क्योंकि इस घर में उस लड़की को बहू बनाकर मैं लेके आया हूँ, तो अगर मेरे भाई ने छोड़ भी दिया उस लड़की को तो मैं शादी करके उसको रखूंगा। मैंने यहां तक बात बोली, अगर है उनमें हिम्मत तो वो आज ऑन कैमरा के कहें कि मैंने ये बात कभी नहीं कही और ये इंसिडेंट झूठा है। बहुत हिम्मत वाले बनते हैं ना, तो आकर कहें ये बात कि उन्होंने कभी नहीं कही। और आज मैं इतना बुरा हो गया, मेरे को कह रही है कि अपने माँ को धमकाता है, जो बेटा 5 साल से मम्मी, ये मत भूलिए आपने भी एक बेटे को जन्म दिया है, जो आज ये मार हो रही है ना वो सबको पता लगेगा। मेरी माँ को लेके इतना घटिया ना, मैं अपनी माँ, मेरे, मैं भगवान को बाद में पूछूंगा, मैं इस दुनिया, मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा जाता हूँ अपनी माँ के लिए। और उस माँ को मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि मैं अपनी माँ को धमका के एक साड़ी, 5 साल से मेरे लिए एक साड़ी लाना है, मम्मी ये साड़ी नहीं पहनना है, करना वो करना, तो मेरे बेटा मेरे लिए शुरू से वो करता, आज भी मेरे घर में दो बहू है, मेरी माँ कहीं जाती है पार्टी फंक्शन में, मैं उनका मेकअप तक करता हूँ। मुझे कितनी कमी नहीं हुआ कि मेरे बेटी नहीं है, मेरे बेटा ने सब कुछ करता था उसके लिए भी। अब आप लोगों को लगता है कि आपने माँ को ही करता है, अपना माँ को देखता, तो अगर कोई माँ बेटा अपने माँ को करता है तो उससे तो संसार में बड़ी खुशी हाँ, नहीं है। लेकिन आपने आज ये चीज आके दूसरी तरीके से क्यों दिखाई? क्योंकि आप अपनी माँ की उतनी इज्जत कभी नहीं की, आपने अपने माँ के लिए कभी वो सारी चीजें नहीं की, और आप उसमें मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते थे, इसलिए आज दोनों मेरे बेटा राम लक्ष्मण थे, पर माँ के दिल पे जो बीत रही है ना, भूलिए मत, जिसके घर में आप आग लगा रही है आपके अपने खुद दो भाई है, और ये जो ड्रामा मेरे घर में रच रहा है, मैं बद्दुआ आके देता हूं आज आपको कि जितना दिल इस माँ का दुखा है, मेरा दुखा है, उससे कहीं ज्यादा हद तक आपको भुगतना पड़ेगा। आपके घर में वो परिवार के लिए इतना कुछ अपना करा, शादी बोलता था मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, यही ड्रामा से मैंने जबरदस्ती करी। मुझे आज वो कह रही है, निकी पे बहुत ज्यादा वो सारा ब्लेम डाल देती है कि मेरी शादी के बाद ऐसा क्यों हुआ, मेरी शादी के, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी कि अब मेरा भाई आपको नहीं रखना चाहता था शादी हो जाने के बाद, मैं, मुझे माफ करे जनता कि मुझे ये बात इतनी ओपनली कहनी पड़ रही है, आपको अपने रूम से उसने बाहर निकाल दिया था, क्या बात कर रही हैं आप आज यहाँ पे आके? मेरे जैसा वो आदमी था जिसने अपने भाई के खिलाफ खड़ा हुआ था कि अपनी भाभी को सपोर्ट करने के लिए, आज आप वो दिन भूल गई? वो दिन तो आपको याद नहीं आया,
मेरे और आपके डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत बहुत बार रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे रहे हैं, क्यों रहे हैं आज वो भी समझना, वो भी समझना, वो भी आज समझना बहुत जरूरी है। टॉर्चर आपने जितना मेरे को किया ना, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी शादी हो जाने के बाद आपका मेरा रिश्ता खराब हुआ, जबकि मैं कहूंगा कि मेरा और आपका रिश्ता कभी ठीक था ही नहीं। अब आप लोग बोलते हो कि बड़ी बहू में हंस के क्यों नहीं आते, अब बड़ी बहू भी मुझे कर दिया गया, उसको भी वो दोनों कि मैं धमका के रखता हूँ, मेरी माँ को किस चीज की किससे लालच है, किस चीज से किसकी कमी है। जब तक हम जिएंगे, हमारा पेंसिल मिलता है, हमारा किराया आता है बदरपुर से, तो मैं किसके लिए वो हूँ, किसके सहारे, न इनके सहारे हूँ ना उनके सहारे। और फिर किस चीज का मैं किसी को डरा दूंगा, किस चीज मेरे को क्यों डराएंगे, मेरे पति है अभी तो, मैं बेटे के भरोसे बैठी हूँ, और मेरे को क्यों, मेरे को कोई लालच होता तब मैं इनसे डर के रहती हूँ, उनसे डर के रहती हूँ, तो मेरे को तो दोनों में से किसी से कोई लालच नहीं है। और जो बेटा है अपने माँ के लिए, मेरे जितने फ्रेंड है चाहे जितने मेरे रिश्तेदार है, सब जानते हैं कि सुमित अपने माँ के लिए क्या करता है। ये नहीं बोलूंगी कि अजीत नहीं करता, अजीत भी किए है, बहुत किए, पर सुमित जितना ना उसके बाप ने किए मेरे पति ने, और ना ही अजीत ने करा जितना सुमित ने मेरे को करा है। आज भी मेरे को कुछ हो जाता तो वो मेरे मरने से पहले बोलता कि मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, तो उस माँ के लिए इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होगा ना। सुमित मैं रोते नहीं दे सकती तेरे को। अब ये रो के निक्की बहस हो रही कि मेरे आदमी के, मेरे सास ससुर के, मेरे पति को इज्जत बर्बाद हो गया, तो क्या उसके पति, उसके माँ बाप के, चाहे उसके सास ससुर के क्या इज्जत बर्बाद हुआ। कोई ना चोरी की है, ना डाका डाल है, ना उनकी बेटी बहन की है। जब से मैं इस घर में आई थी, मेरे आते ही निक्की के साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, निक्की के साथ ये ऐसे क्यों हो रहा है, कर करके कलेश स्टार्ट हुआ और अब तक चलता रहा। शादी के लिए भी हुआ, शादी के शॉपिंग करने जाते थे, निक्की के लिए ज्यादा साड़ी खरीदी गई, उसके लिए मम्मी से झगड़ा करना, मम्मी से वो सारी चीजें करना, निक्की के लिए इतनी साड़ियां क्यों जा रही है, मेरे लिए, अरे निक्की का आदमी कमाता था, निक्की के समय पे हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी थी, हमने उतना किया, आपके समय पे हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, हमने नहीं किया। आज मैं ऑन कैमरा उतना नहीं किया अगर आपको बराबरी रहता, लेकिन हम, मैं तो आज ऑन कैमरा ये भी कहूंगा कि हमारे, आपको ये शिकायत रहती है कि हमने जितना निक्की को किया उतना आपकी बारी में नहीं किया, हमने आपकी बारी में भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपकी अपने घर से कोई शिकायत नहीं रहती, जिन्होंने आपकी बेटी विदा करते समय जो इज्जत एक माँ बाप के फर्ज होने के नाते उनको रखनी चाहिए, उन्होंने वो भी नहीं रखी। इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाई, वरना मैं वो शादी की वीडियोज में प्रूफ लेके अगर आ गया ना तो आप कहीं कहने लायक नहीं बचेंगी। और मेरे को वो मेरे शादी मेरे माँ बाप ने कराई, मेरी शादी की शॉपिंग जब होती थी तब निक्की आई नहीं थी मेरे घर में, आपको निक्की के गहने बने उससे आपको दिक्कत होती थी, आप मेरी माँ को जो झगड़ा करती थी, हम बाजार कहीं जाते थे शॉपिंग करने, मैं, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार जाते थे, आप नहीं जाती थी, क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि आपके अंदर जलन भावना रहती थी, आपको चीड़ होती थी, आप देखती थी कि निक्की के लिए क्या क्या खरीदा जा रहा है, क्या क्या नहीं खरीदा जा रहा है, आप घर में आके झगड़ा करती थी। हमने कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कभी किसी के सामने वो बात नहीं आने दी, जैसे तैसे हमने शादी की। आज आपको मेरे अंदर कमियां नजर आ रही है, आप वो दिन भूल गई, मेरी शादी का हर एक एक शॉपिंग अपनी इस माँ से लड़ाई करके, नहीं मम्मी इनके लिए ऐसा लहंगा नहीं ऐसा लहंगा आएगा, इनके लिए ऐसी ज्वेलरी नहीं ऐसी ज्वेलरी आएगी, वो दिन आज आप भूल गई। कुछ तो खुददारी रखते यार, कुछ तो खुददारी रखते। उनकी भाई के शादी है अब, ये मैं बोल के मेरी तबीयत हो रही खराब, मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं तिलक के दिन इनके घर में गई, इनकी मम्मी ने सीधे मेरे से ना चाय ना पानी ना कुछ पूछी, मेरे से सीधे यही कह रही है, जैसे 5 मिनट बैठी वो आरती थी वो ले आई पानी, मैंने, हमने पानी पिए, उसके बाद सीधे वो कह रही कि मेरे बेटी को, मेरे के, मैं 2 दिन वहां रही, मेरे को सीधे मुंह बात नहीं करी उसकी मम्मी ने, मेरी बहू को बड़ी वाली, मेरे से कह रही कि आप ना कोई रास्ते निकाल दो अपने जीते जी, नहीं तो मेरी लड़की डिप्रेशन में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो जब माँ बाप ही डिप्रेशन में डालेंगे तो बच्चे तो अपने आप हो जाएंगे, बच्चों को बोलना भैया हम जिंदा है तो तुम क्यों सोच रहे हो। उसके बाद फिर मैंने कुछ बोली नहीं, 2 दिन यहां रही, 2 दिन मेरे को एक मतलब होता ना कि चलो समधन आई है मेरे घर में, अब वो लोग सोचते हैं कि मेरे घर में आए, भैया जब एक बार गई तुम्हारे घर में है तो तुमने सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करे, मैं दोबारा क्या करने जाऊं तुम्हारे घर में,
अगर बता दो, फिर रात को हम खाना वाना खाए, खाना वाना खाने गए हम सब साथी, और हम दोनों को जबरदस्ती मम्मी अपनी ये दोनों को मैं ले गई इज्जत के मारे कि कोई कहेगा कि माँ को कुछ नहीं होता। ये और उससे पहले वो कह रही ना कि शादी में ड्रामा हुआ, ड्रामा तो आपने शादी से बहुत पहले ही रच दिया था, वो ड्रामा मम्मी को नहीं पता, वो ड्रामा मैं आपके सामने बताऊंगा। 2 महीने जाके अपने मायके बैठी हुई थी। कब गई थी? मुझे तो ध्यान नहीं था कि 2 महीने। वो जो मैं 2 महीने जाके शादी से पहले मायके बैठी हुई, उनके भाई की शादी से पहले, शादी को मेरे को 4 साल हो गया है, आज तक मैं 2 महीने कभी नहीं जाके अपने मायके बैठी। और वो कहा भी गया कि निक्की से पूछ लिया जाए, इसलिए निक्की इस बात का जवाब दे रही है। खैर मम्मी आप अपनी बात कहो फिर मैं बताता हूँ। तो रात को कह रही कि वो है निक्की के रहन दो, निक्की रह जाएगी। फिर सुमित ने बोला कि जब आपने हल्दी वल्दी कूटा तो निक्की के बुलाए नहीं, अब आज अब जब आए हैं तब रख रहे हो। वो भी तब जब लड़की वालों की तरफ से पूजा की चाचा मेरे को ले जाने, वो भी एक साजिश थी। मैं जरूर कहना चाहूंगा एक साजिश थी, क्योंकि तो जो लड़की थी उसके चाचा उस तिलक फंक्शन में गए थे, वहीं पे उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि हम निक्की को यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि निक्की मेरे घर की बेटी है, अब मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। आज तिलक का यहाँ फंक्शन था, मेरी बेटी अपनी, हाँ कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है लेकिन निक्की मेरी बेटी जैसी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि निक्की को यहाँ से ही मुझे ले जाने थी। मम्मी ने बोला कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल मन नहीं था भेजने के, क्योंकि ड्रामा हमारे घर पहले ही शुरू था, इसलिए मैं सोचती थी नहीं जाएंगे। फिर मैंने कहा, और वो जो उनकी मम्मी ने बोला भी था, वो जो ऑन कैमरा के कह रही है कि मेरी मम्मी मेरे को शिकायत थी कि उन्होंने हल्दी कूटने में क्यों नहीं बुलाया, और उसका उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि अटीदार पटीदार को नहीं बुलाया जाता। मम्मी बोल रही था कि ये बोल रही थी इससे कोई नहीं जीत सकता। जो संस्कारी लोग है ना, उसके लिए उसकी बेटी का ससुराल सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि दामाद को आप भगवान की तरह पूज के अपने घर लेके आते हैं। 2 साल हो गया आज तक, चाहे उनकी माँ चाहे उनके बाप चाहे किसी ने मेरे पास एक फोन भी करे है, और मेरे बहू मेरे बेटा ही बोलते हैं कि तुम उनके पास फोन करो। तो मैं आप ही लोग बताओ कि मैं एक बेटे की माँ हूँ तो मैं उनके पास फोन करूँ? और तो क्या गलती है मेरी माँ की, क्या गलती मैंने है? क्या करी हूँ? अगर मेरे में कुछ गलती आप लोगों को दिख रहा तब आप लोग बोलो, मेरे बेटे बहू मेरे के ही झुकाने में है कि आप जाओ। और उसके लिए मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया जाता है अलग अलग तरीके से, अभी घर में इतना कलेश किया जाता है। आया था जन्मदिन तो मैंने बोली, मैंने कहा कि तुम्हारे पापा नहीं आएंगे तो विशाल के तो बुलाओ कि वो आए, उनके बेटी के छठियार में गए तुम लोग होने में गए, तो मैंने कहा भैया उनको बुलाओ। तो कह मेरी बहू ने बड़ी वाली ने बोली कि वो नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों, जब तुम लोग जा रहे हो तो ना तो मेरे बेटे के बर्थडे है ना सुमित के बेटी के बर्थडे है, बर्थडे तुम्हारे बेटे के है, तुम लोग जाते हो तुम उनको बुलाओ। तो कह रही नहीं वो लोग नहीं आएंगे और हम नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा अजीत भी नहीं जाएगा, तो कह रही नहीं वो जाएंगे। तो गए दोनों। इससे किसके क्या संस्कार झलकते हैं? ये चीज मैंने तो नहीं कही आके, ये चीज निक्की तो नहीं कही। अब ये माँ बाप हमारे संस्कार दिए हैं, हम हैं और उनके माँ बाप ने परिवार के बाकी लोगों को टॉर्चर आपने एक इंसान को इतना ज्यादा किया है ना। अगर हम लोग अपनी माँ को संभाल के ना रखते तो शायद आज आपकी वजह से मेरी माँ कब की इस दुनिया से चली गई होती। लेकिन मैं तो उसी दिन चली जाती जिस दिन उसके भाई के शादी था, और मेरे साथ जितना उनके पापा बोल रहे कि जाओ जाओ अब जाओ यहाँ से, और वो शादी में ड्रामा करते हैं उस शादी में, और इनको सुमित को कह रहे चल चल भाग यहाँ से। दामाद के भाई को इस तरीके से बोला जाता है, दामाद का भाई दामाद के बराबर। और मेरे बेटे मेरे बहू बोलते हैं कि जाके उनको सुमित पैर पकड़ो, मेरी माँ पकड़े। अब बताओ आप लोग सलाह दे दो कि क्या करें हम, हमारा तो जीना हराम हो रखा। मेरा खास करके सुमित का तो है वो पटीदार है, पर मैं एक माँ हूँ मेरे भी हो रखा। खैर अब इसमें मम्मी हम जाओ वरना मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगा, मैं नहीं वो करना चाहता। और मैं जरूर इस बात को मम्मी मैं आगे जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बारे में आज जो चीजें कही गई है ना, और सबसे आज मेरे आत्मा इतना दुखा है कि जो मेरे बेटा समाज के लिए अपने माँ बाप के लिए सबके लिए इतना कुछ करा, आज उस बेटे पर उसके भाई और भाभी ने ही उंगली उठाए, सबसे बड़ी इस बात की मेरे को अब मैं नहीं बोल सकती। बोलना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि नहीं बोलने जाने पे मुझे इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे बारे में सोशल मीडिया पे क्या लोग कह रहे हैं या फिर क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है। नहीं,
मेरे लिए इतना काफ़ी है कि जो आसपास मेरे लोग रहते हैं, फिजिकली जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे लिए उतना काफ़ी है। YouTube पे आके कमेंटबाजी करके और लाइक करके और वो सब, उनसे किसी को कोई मदद नहीं होने वाली। मदद सिर्फ इतनी शायद ज़रूर हो सकती है कि आपको दो पैसे मिल जाएंगे, जिसकी आपको इस समय में बहुत ज़रूरत है, तो आपने आज उसके लिए वो काम किया। लेकिन ये मेरा रिप्लाई वीडियो बनाना या रिएक्शन वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बात यहाँ नहीं है। मैं बार बार, अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे, बार बार मैंने हमेशा एक चीज़ ये कही है कि साजिश सिर्फ अब निक्की को बदनाम करने तक, इस घर को बदनाम करने तक की नहीं थी। साजिश जो आज चल रही है, किचन के बारे में मैंने कहा, जो लोगों ने कमेंट किया था कि अलग होना चाहिए अलग, उनको तो कोई रिएक्शन नहीं आया उस चीज़ पे। आपने आज इतना खुल के क्यों कहा कि जो हम चाहेंगे, कौन होता रोकने वाला, हम भी वो दिखाएंगे। होता तो मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हैं डिसाइड करने वाले। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है वो आज लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपने जो ये पिछले 1.5-2 साल का जो ये ड्रामा रचा था वो किस लिए रचा था। आज आप उस मुद्दे पे बहुत खुल के सामने आए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सभी कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, समय आने पर सबकी सच्चाई सबको सामने आ जाती है। तो आज आपकी सच्चाई बहुत अच्छे से आपके सामने आई। जो घड़ियाली आंसू आप लोगों के सामने बहा रहे हैं ना, उसकी सज़ा तो भगवान आपको ऐसी ज़िंदगी में देंगे कि शायद आपके पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं बचा होगा। खैर, ये सारी इमोशनल बातें करने का आज कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बहुत टू दी पॉइंट बात करूँगा। पिछले अभी वीडियो में क्या गया क्या नहीं गया, मैं खुद आउट ऑफ फ्रेम था, नहीं ध्यान आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि निक्की थी आज अपनी माँ को भी लेके आके बैठा। मम्मी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूँगा, आपको जबरदस्ती नहीं बैठाया ना मैंने, क्योंकि सामने वाले की कोई बात नहीं, सामने वाले की इतनी चलाकी थी कि सब कुछ, एक सेकंड, सामने वाले की आज इतनी चलाकी थी। इसको कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, और चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। कल सचिन भाई ने हमारे वीडियो, हमारे सपोर्ट में आके कुछ वीडियो कहा, आपको उस पर बहुत मिर्ची लगी कि अब इतना बड़ा सपोर्ट सचिन को मिल गया। आपके लिए सचिन शायद कुछ नहीं होगा, उसकी औकात आप देख रहे थे, लेकिन सचिन की औकात मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको लगा कि आपने तो सचिन को चारों खाने चित्त कर दिया। ये समझना चाहिए कि जब शायद YouTube की दुनिया के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, तब से सचिन भाई इस YouTube प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। शाम के टाइम पे सचिन का वीडियो आता है, रिएक्शन वीडियो, क्योंकि इतनी बेइज्जती सहने के बाद मुझे नहीं लगता कि धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो अपने रिएक्शन में कुछ नहीं कहेगा या कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैं काबिले तारीफ हूँ दोनों हस्बैंड वाइफ की, सचिन की भी मनीषा की भी, कि इतनी बेइज्जती, इतने अपशब्द सहने के बावजूद ना मनीषा जी ने जो अपना वीडियो डाला उसमें किसी के खिलाफ कोई अपशब्द का प्रयोग किया, ना सचिन भाई ने जो अपना वीडियो डाला उसमें किसी के बारे में, जो शब्द का चयन सचिन भाई के भी शब्दों का चयन बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत लोगों ने कॉमेंट किया, उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा और वो वीडियो हटवाया गया उसके बाद। हमने हटवाया मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट खैर एनीवेज वो एक अलग बात है। उसमें सचिन भाई ने, आज सचिन भाई ने जब उन सब शब्दों का चयन किया तो सबको लग रहा है कि कितने घटिया शब्दों का चयन किया। सचिन भाई ने तो वो शब्दों का चयन किसी और के वीडियो से उठाया था, उस वीडियो पे तो जाके सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा धोया, ये कहा वो कहा। और सामने वाले की चालाकी देखिए कि वहां भी अपनी क्या चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए कह दिया गया कि आपको तो हम बहन मानते हैं, आपके आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। आपको डर है कि वो बहन से जो जो चीज़ें आपने कही हैं किसी दिन वो बहन आके वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ना कह दे, आपको किस चीज़ का डर था? आप में अगर हिम्मत है, आप हिम्मत की बात करती हैं, आप लोग आके बताइए कि आपने क्यों उस बहन ने तो ना आज तक कोई वीडियो बनाया किसी के बारे में, ना मेरे बारे में, ना सचिन भाई के बारे में, ना आप लोगों के बारे में, उस बहन को आपने इस फसाद में क्यों घसीटा? इसको कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। आज भी आपने जो रिएक्शन वीडियो बनाया, आप उसमें बार बार कह रहे हैं कि मेरी सासू माँ को टॉर्चर करता था, वो आएंगी भी अगर वीडियो में तो वो प्रेशर में ही लेके आएंगी, ये आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था प्रेशर में कर सकता। मैं तो 6 महीने से मैं खुद बोल रही हूँ कि वीडियो बनाओ, उसमें मैं एक बार बोलूंगी, अपना वीडियो मैं डालूंगी। सिर्फ मेरे जैसा आदमी था ना जिसने अपनी माँ को ये बार बार चुप करते थे, कि मम्मी नहीं डालना, मम्मी नहीं डालना, उनसे बोलती थी कि मेरा अलग से वो करो, कि मैं आके सच्चाई बताऊं कि सच क्या है, हमारे घर में क्या होता है, मैं सब बताऊं। लेकिन फिर भी बच्चे जिसको मेरे से वो, मेरे जो भी बच्चे हैं परिवार, मैं उनसे बोलती थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैं एक मेरे मेरे एक वीडियो बच्चों बनाओ, तो कोई नहीं बनाता था।
कि नहीं रहने दो रहने कोई बात नहीं। तो आपने उसमें भी इतने सारे आरोप प्रत्यारोप इतनी झूठी बातें उसमें क्या कही, झूठ आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान मैंने आज तक दुनिया पे नहीं देखा होगा, अपनी इस जिंदगी में मैंने नहीं देखा होगा, शायद ही मैं इस। और मेरे रहते ये सोचे आ चाहे वो सोचे कि मैं खाना अलग बनने दूंगी, ये इस बात में अलग अलग किचन बनाए सुन लीजिए, वो मैं नहीं होने दूंगी। अगर इनको परेशानी है हमसे तो ये अलग जाके रहें, अगर उनको परेशानी है तो वो जाके रहें। और ये बता जैसा नहीं कि मेरी मम्मी पहली बार कह रही है, पहले भी बहुत सारी बार हो चुकी है। और इसमें सारे मैं अपने आदमी को रिटायरमेंट के सारे मैंने अपना एक पैसा जोड़ के मैं लगाई हूँ, इसलिए नहीं लगाई ना कि मैं इनको और उनको मौज होने दूं दोनों को, और इज्जत भी ना हो कोई, इज्जत भी ना, ससुर की कोई इज्जत भी ना, कहना ना सुने कोई। खैर तो आपने फिर आज इतने सारे आरोप, मैं शांति के लिए बोली कि चलो, वो भी मैंने नहीं बोली, पहले तो दूसरों ने ही सलाह दे दिया कि वो कर दो आप रास्ता निकाल दो, फिर मैंने कहा कोई लड़की का माँ बाप इस तरीके से बोल सकता है। निक्की के माँ बाप लाख खराब हो, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि उनके माँ बाप ने कहा होगा कि निक्की का अलग कर दीजिए आप। उसमें कोई माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल में इस तरीके से चीजें कह सकता है? खाली ये कह देना कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, अरे आप अपनी बेटी को रहने दीजिए, करे शादी में उनके माँ बाप को क्या बोले, उनके माँ बाप दस इनको बोले, और वो तो घर में ही निक्की के माँ बाप आए तो घर में ही जो धोना था वो खूब सुना है। मैंने फिर भी कभी आगे नहीं बोला, ना निक्की के माँ बाप ने बोले ना निक्की, निक्की के माँ बाप फिर भी आते हैं कि भाई मैंने बेटी के शादी कर रखा हूँ तो मेरे लिए कोई वो नहीं। एक फिर ये फ्लो बिगड़ जाएगा वीडियो का, फिर लोगों को हमारी बात जो हम मैसेज समझाना चाहते हैं वो नहीं शायद समझ में आएगा। तो आपने आज भी इतने सारे झूठे आरोप प्रत्यारोप करके और आपकी सारी बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूं। मैं भी कहता हूं कि आपका बोला हुआ हर एक शब्द 100 गुना नहीं 1000 गुना उसमें झूठ फरेब और एक गलत मंशा शामिल है, ये मैं आज बहुत ओपनली आपके मुंह पे आके बोलता हूं। और आप प्रूफ प्रूफ की बात करती है ना, जो भी आपने चीजें कही हैं उसमें से एक भी चीज का प्रूफ लाके कह दीजिए, आपका जूता और मेरा सर, ये मैं आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहा हूं। बहुत ओपनली आपने सारी चीजें कही हैं। आज आपने वो वीडियो बना देने के बाद आपको भी पता था, क्योंकि आज आपने सारी हदें अपनी पार कर दी और जिस चीज का मान सम्मान से आपको रखा गया था वो सारा ठुकरा के, उसको मैं ठुकराना भी नहीं कहूंगा, उसको पैरों से रोंद कर आज आपने जो अपनी मर्यादा का अपनी एक सीमा का उल्लंघन किया है, आपको बहुत अच्छे से पता था कि अब खुलकर सुमित के सब चाहने वाले, उसके माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, उसके जितने भी लोग हैं उसके चाहने वाले सब खुलकर आएंगे, इसलिए आज आपने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि आपको पता था कि ये शायद लास्ट मौका है आपके लिए कहने के लिए, और उसी में आपने ये जोड़ दिया कि अब इसके बाद अगर कोई आता भी है कहने के लिए तो वो सुमित के प्रेशर में आएगा। अगर सुमित का प्रेशर इतना है तो प्रेशर समझ नहीं आता कि सुमित के प्रेशर में लोग आएगा ही क्यों, वो प्रेशर तो आपने भी बनाया हो सकता है, पहले आप पैसा नहीं कमाते थे, आपकी नौकरी नहीं थी, आपने आपके आज तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा, आप कह रहे हैं कि तमाचा मारा भगवान ने, अरे तमाचा भगवान किस चीज के लिए मारेगा, आपको हमारे पैसों की जरूरत थी, हमें आपके पैसों की जरूरत कभी भी नहीं रही, ये बहुत ओपनली मैं बोल रहा हूँ। खैर तो उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी शादी का इल्जाम लगाया, नहीं सबसे पहले आपने बात कही कि निक्की के आते ही घर के सारे इश्यूज खड़े होने लग गए एंड ऑल, आप सबको अभी बताया ही गया कि जब से मेरी शादी तय हुई या फिर फॉर दैट मैटर उनके उनकी खुद की शादी हुई, उनकी शादी में इतना हमारा समाज में बेइज्जती हुई, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे, हमें कितने शादी में जो रिश्तेदार आए जो हमारे जानने पहचाने वाले लोग आए सब ने कहा कि आप लोग शादी में ठगा गए हैं, हमारी देशी भाषा में कहा जाता है कि आपके लायक वो हीत नहीं थे, आपको वहां शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी वो हमने जहर के घूंट की तरह पिया। शादी होने के बाद मेरी भाभी घर आई, घर आने के बाद उनके अपने हस्बैंड के साथ बहुत 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 नीचे लेवल पे जाके चीज़ें होती थी, मैं एक ऐसा आदमी था उस समय पे भी, मैं अपने भाई के अगेंस्ट खड़ा था, अपनी भाभी के सपोर्ट में खड़ा था, और मैंने यहाँ तक मुझे कहना पड़ा था मजबूरन आके कि आप चिंता मत कीजिए, अगर ये आपको नहीं रखेगा मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन मैं आपकी जो जिम्मेदारी इस घर में लेकर आया हूं उसको मैं उठाऊंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। आज आप वो बात भी भूल गए, एक औरत होने के नाते मुझे ऐसा लगता था ना कि वो आप कभी, क्योंकि उस मुश्किल सिचुएशन में, ये बात शायद आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी, लेकिन उस मुश्किल सिचुएशन में शायद आपके साथ और कोई नहीं था, यही आदमी था जिसको आज आपने समाज में इतना नीचा लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मेरी को शादी में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, खाली भाई के शादी में लड़ाई हुआ, ये क्लेश हुआ, इसके मारे ये सब किया हुआ, धोखे पी गई, हमारे ही बहू है, चाहे हमारे ही बेटे हैं, चाहे ये भी बेटे ही बहू है,
ये भी है, चाहे ये घोल के पी जाए चाहे वो घोल के पी जाए, खाली वो शादी में। शादी वाले तो कर करके अपने घर में बैठ गए, हमारे घर में 2 साल से क्लेश लगा के रख दिए। उसके बाद आपने कहा निकी, उसके बाद मेरी शादी हुई, आपकी शादी को अगर संजोकर किसी ने रखा उसमें शायद बहुत बड़ा हाथ मेरा ही हाथ था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बड़ा हाथ मेरा भी था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब आपका 1.25 महीना होने के बाद आपकी पहली रसोई थी मेरे घर में, और इत्तेफाकन की बात है कि उसी दिन मेरे को एक ऑफिस का ट्रिप कहीं लगा, मुझे वहां जाना पड़ा, आप ही वो औरत थी। और इतनी इंसानियत, इतनी खुददारी मैं आपसे अब उम्मीद करता हूं, कम से कम इस बारे में आप इस बारे में जरूर हाँ या ना कहेंगी, आप ही वो औरत थी जिसने रो रोकर मुझे कहा था कि आप नहीं रहोगे कल, इतने सारे लोग रिश्तेदार आएंगे, मैं कैसे मैनेज करूंगी। आप ऑन कैमरा आके कह दीजिए इस बात को कि ये बात झूठ है, आपका जूता मेरा सर, मैं फिर से ये बात कहता हूं। वो दिन भी आप भूल गई, मैं अगर इतना ही बुरा था, मैंने आपको शुरू से इतना ही टॉर्चर किया है, तो वो चीज आपने मेरे बारे में क्यों कही थी। उनकी माँ बाप अच्छे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माँ बाप भाई। वो ना फिर फ्लो नहीं समझ में आएगा लोगों को। फिर बात आती है मेरी शादी की, आपकी प्रेगनेंसी में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई कह सकता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत मैं नहीं मानता कि इसको शर्म की बात है, लेकिन आप इस बात को भी आके झुटला दीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में मेरी माँ, क्योंकि हमारे घर में उस टाइम डेफिनेटली कोई लेडीज नहीं थी, मेरी माँ को जो नहीं करना चाहिए था शायद वो करना, या उन्होंने, मैं कहूंगा कि अपना एक सास होने का दायित्व निभाया और आपकी सेवा की। जी हाँ, मेरी माँ ने सास होने के बावजूद आपकी सेवा की। उसी मौके में, उन्हीं दिनों में कई बार मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत टाइम से खराब रहती है और आपकी शादी भी इसी वजह से की गई थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी, उस चीज को देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी माँ बाल्टी बाल्टी कपड़े धोके छत पे लेके जाती थी, मेरी माँ घंटों, उस टाइम हमारे पास वॉशिंग मशीन थी, मैनुअल वॉशिंग मशीन थी, ऑटोमेटिक नहीं थी, मेरी माँ कपड़े खंगाल रही होती थी और घर का भी सारा काम कर रही होती थी एंड ऑल, वो सारी चीजें होती थी, मुझे इतना खराब लगता था। तो उस चीज को हटाने के लिए मैंने कई बार आपके कपड़े तक धोए हैं, ये बात भी आप आपके यहाँ पे झुटला दीजिए। मेरे अंदर इतनी ही कमियां थी, मैं औरतों की इतनी ही डिसरेस्पेक्ट कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपकी पूरी फैमिली में कोई ऐसा देवर होगा जिसने अपने भाभी के कपड़े तक धोए हैं। मैं उस चीज को यहां गिनाने नहीं आया, लेकिन आज आपने ये सारी छोटी छोटी बातें कहने पर मुझे आपने ही मजबूर किया। उसके बावजूद जब मेरी शादी की बात आती है, मेरी शादी में भी बताया ही हमने कि चाहे वो गहनों की शॉपिंग हो, चाहे वो साड़ी कपड़ों की शॉपिंग हो, चाहे वो मेरी शादी किस जगह हुई कैसे हुई, आपको हर चीज़ से शुरू से हमेशा से दिक्कत रहती है। मैं अपने भाई को बिल्कुल नहीं कहूँगा, आज मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा भाई का वो चेहरा, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहा कि मेरे भाई का वो चेहरा निकल के सामने आया, लेकिन मेरे भाई की जो मजबूरी है ना, वो इस YouTube की दुनिया के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। जो घर में उसके लोग रहते हैं ना, वो मेरे भाई की मजबूरी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भाई का रिश्ता कैसा था निकी के साथ, जब मेरी शादी की बात चली, मेरा शादी फिक्स हुआ, वो सबने देखा है मेरे भाई का रिश्ता। बहन मानता था, मेरे बेटी, बहन से ज्यादा मैं कहूंगा वो बेटी मानता था निकी को। मेरे भाई का रिश्ता निकी के घर वालों के साथ कैसा था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियोस उठा के देख सकते हैं। मेरा भाई मौका ढूंढता था कि यार मैं कब, कौन से बहाने से मैं निक्की के घर चला जाऊं, उसको वहां पे इतना, मैं नहीं कहूंगा अच्छा लगता था या मजा आता था या जो भी था, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मेरे भाई के ये शब्द रहे हैं कि मम्मी जैसा मुझे ससुराल चाहिए था ना, सुमित को वैसा ससुराल मिला है, वो भी एक दिन हमने देखा है। लेकिन कहा जाता है ना कि अच्छी चीजों में अपनों की ही नजर सबसे पहले लगती है, तो ये नजर आपने लगाई, आपको क्योंकि सबसे कि देखो निकी कैसे रहती है जेठ के साथ, ये आपने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया उस चीज के लेके कि आप, तुम निकी के साथ ऐसे नहीं ऐसे रहोगे, आप अपने सास ससुर के साथ तो ऐसे नहीं रहते हो, निकी के घर वालों के साथ आप ऐसा क्यों रहते हो, क्यों नहीं रहते हो। आज मुझे बिल्कुल पता है कि मेरा भाई आज एक प्रेशर में है, आज आप जो कहोगी वही वो आके कहेगा, वो इस बात को भी झूठला देगा, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन समय जानता है, ईमान जानता है, आप जानते हो, मैं जानता हूं कि क्या बात सही थी और क्या जो मैं अभी बोल रहा हूं वो झूठ बोल रहा हूं, ये सही बोल रहा हूं। इसके अलावा शादी होके आती है, निकी आती है, कहना आज आप औरत का ज्ञान मुझे दे रही हैं, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। निकी का शायद ससुराल में दूसरा या तीसरा दिन था, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए एक आदमी होने के नाते, लेकिन निकी के अंडर गार्मेंट्स तक उठा उठा के आप दूसरे घर में लोगों को, रिश्तेदारों को आप दिखा रही थी, वो दिन भूल गई आप। औरत होने के नाते आपको डूब मरना चाहिए था जिस दिन आपने ये हरकत की, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, लेकिन आपने ये किया है।
एक एक गलती ढूंढ ढूंढ के, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के आप दिखाती थी लोगों के सामने, जो रिश्तेदार हमारे आए थे सबके सामने, सिर्फ ये कह देने के लिए कि लोग ये कह दें कि आपकी बड़ी बहू अच्छी है और इस घर की छोटी बहू खराब है, नलायक है। शुरू से जिस दिन से निक्की इस घर में उतरी है उस दिन से आपने निक्की को कभी पसंद नहीं किया। मैं अपनी शादी में, आप मेरी शादी में, आप तिलक में क्या पहनेंगी, आप शादी में क्या पहनेंगी, क्या साड़ी रहेगा, क्या ज्वेलरी रहेगा, वो शायद आपके पतिदेव जो आज आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आपके लिए खड़े हुए ना, वो नहीं थे। आपके सास ससुर भी नहीं थे, वो यही आदमी था जिसको आज आप इतनी गालियां पढ़वा रही हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपकी शादी में पहना हुआ एक एक ज्वेलरी तक ये आदमी खरीदने गया था, और आज आप इसी पे क्वेश्चन उठा रही हैं कि ये आदमी औरतों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। इतनी खुददारी आपके अंदर होनी चाहिए थी। मैं कम से कम, आप जो बार बार धमकी मुझे दे रहे थे कि वीडियो आएगा आएगा आएगा, मुझे पता था कि ये वीडियो आएगा, लेकिन इतना झूठ, इतना फरेब और इतनी इंसानियत भुला के ये वीडियो आप बनाएंगी, इसकी मैंने कभी अपनी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी। और आज जो घाव यहां पहुंचा है ना, ये इस जन्म में सुमित का घाव कोई नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता। उसके बाद आया, उसके बाद आपने, तब तक तो ये सारी यूट्यूब की दुनिया नहीं थी, ये सारा वीडियो का और इसका चक्कर नहीं था। और फिर आप अपनी बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, टॉर्चर आपने कैसा किया, मेरा और मेरी माँ का झगड़ा लगवाने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ था। आपने मेरी माँ को दूसरे तरीके से भड़काया, मुझे दूसरे तरीके से भड़काया। मेरे अंदर अगर वो समझ ना होती ना, तो शायद जब आप शादी करके आई थी, मेरी माँ और मेरा झगड़ा तभी हो गया था। पहली बार जब आप अपने नैहर से वापस आई थी, और आप हमारे यहाँ का रिवाज होता है कि जब नैहर से पहली बार आते हैं तो जो घर के छोटे बड़े जो भी होता है, जिसको जितना मिलता है वो उसके लिए लेकर आता है, कोई भी गिफ्ट, छोटा गिफ्ट हो बड़ा गिफ्ट हो, गिफ्ट का वैल्यू देखी जाती है, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट का प्यार देखा जाता है। मेरी मम्मी को उस चीज़ का भी बहुत दुख लगा, क्योंकि ना तो मैं अपने भाई का इकलौता भाई था, छोटा भाई था, ये चीज़ दुख मेरे भाई को भी था। आज ऑन कैमरा आके कह दे मेरे भाई को कि इस चीज़ का दुख नहीं था, उनको भी बहुत इस चीज का दुख था, लेकिन मेरे भाई को इस चीज के लिए भी दबाया गया। आपने आके उस चीज के लिए, मेरी मम्मी ने गुस्से में कहा कि आप तुम नैहर से आई हो ना, शादी में कुछ मेरे बेटे की रिस्पेक्ट की गई, इस बेटे की रिस्पेक्ट की गई, तुम आई हो, आज भी तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं हुआ। कि क्योंकि जब हमने उनको विदा किया था, हमने बहुत कुछ दे लेके विदा किया था। और बात यहां कोई किसी के पैसों का और उसका भूखा नहीं है, अगर हमने पैसे लेके उनसे शादी करी होती तो शायद वो हमारे घर में कभी शादी नहीं कर पाती, क्योंकि हो सकता है क्या पता इसको देख के आगे वो हम पे कोई दहेज उत्पीड़न का और इस तरीके का कोई केस लगाने की कोशिश करे, तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। दूसरी बात ये रही कि आपने ये, उसके बाद मेरी शादी होती है, मेरी शादी हो जाने के बाद निक्की आती है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत निक्की की सुंदरता से थी, कहीं ना कहीं दिक्कत निक्की के जॉलीपन से थी, कहीं ना कहीं दिक्कत, आज आप हर चीज़ पे कहेंगे कि मैं किसी से कम हूँ जो मुझे इस टाइम पे दिक्कत थी, लेकिन आप पिछला समय याद कीजिए। आपने वो सारी बातें कही और आपने हर एक दिन, कोई स्पेशल मौका नहीं कहूंगा, आज आप अपने स्पेशल मौके गिनवा रहे थे, मेरा भाई की शादी थी तो ये हुआ, मेरे बेटे का बर्थडे था तो ये हुआ, मैं कोई स्पेशल मौका नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आपने हर एक दिन इस घर के हर एक सदस्य को मजबूर किया है कि वो निक्की से नफरत करने लगे। लेकिन क्योंकि निक्की का नेचर इस तरीके का था, आप उसको दबा नहीं पाई, आपको लगा कि वहां आप नाकामयाब रहीं। उसके बाद यूट्यूब की दुनिया शुरू हुई, आपने निक्की को यूट्यूब पे टारगेट करना शुरू किया। आप आज बात कर रही हैं कि आज आप अपनी सफाई दे रहे थे कि सिल्वर प्ले बटन खुला तो कोई खुश नहीं था, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा था। वो इंसान खुश इसलिए नहीं था क्योंकि आपके बेटे का बर्थडे हर साल 27 दिसंबर को आता है, ये सारी दुनिया जानती थी। आपका YouTube प्ले बटन आने से पहले निक्की का प्ले बटन ऑलरेडी आ चुका था। हम ऑलरेडी घर में प्लानिंग कर रहे थे कि निक्की के प्ले बटन को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे। लेकिन हमने ये सोचा कि यार बच्चे का बर्थडे पहले है और हमारे घर का बड़ा पोता था, उसको जो प्यार मिलता था, आज भी उसको जो प्यार मिलता है, शायद वो मेरी बेटी को उतना प्यार नहीं मिलता। मेरी बेटी को प्यार मिलता है, वो एक बेटी होने के तौर पर मिलता है, लेकिन बाबू की जो जगह है, मेरे दिल में भी बाबू के लिए जो जगह है, वो शायद मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है वो, तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं करता, दोनों की अपनी अपनी जगह है। हमने यही सोचा कि वो बाबू का बर्थडे है, उस बर्थडे में हम सिल्वर प्ले बटन जैसी चीज को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। हालांकि सिल्वर प्ले बटन मिलना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चे के बर्थडे को ऊपर रखा। हमने यही प्लान किया कि हम बाबू के बर्थडे के बाद हम करेंगे, लेकिन आपकी गंदी साजिश थी, आपकी गंदी सोच थी, जिसके चक्कर में आपने ये सब प्लान रचा। आपने किसी से कोई डिस्कस नहीं किया था। आज आप अपने घर वाले और उन सबके बात कर रहे थे कि सबने आके वीडियो में वो किया, आप वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, हिम्मत है अगर आप में तो वो वीडियो आप दोबारा अपने चैनल पर पोस्ट कीजिए। आपने सबसे जाके, और शुरू से आपकी यही आदत रही है, आप लोगों से जबरदस्ती बुलवाते हैं कि मेरे बारे में कैसे कहा जाए। अगर किसी को कुछ कहना होता है ना, तो आप कैमरा ओपन छोड़ दीजिए, उसको जो कहना होगा वो कहेगा,
लेकिन आप लोगों को शब्द देते हैं मुंह में कि ऐसी सिचुएशन थी, आज आप मुझे ये मिला, आज आपको कैसा लग रहा है, आज आप ये बताइए, अच्छा आपको मेरी से वो है। हर अगर किसी ने आपके बारे में दो मिनट कुछ कहा है ना, उस दो मिनट में कम से कम चार या पांच बार आपने उस इंसान को टोका होगा, उस इंसान के मुंह में शब्द डालने की कोशिश की होगी। आपने आपके अंदर सिर्फ ये जलन भावना थी कि निक्की ने अचीव तो मुझसे पहले कर लिया सिल्वर प्ले बटन, लेकिन वो पब्लिकली आके ये सब चीजें बता ना पाए कि निक्की को वो सिल्वर प्ले बटन पहले मिल गया और निक्की ने उसका सेलिब्रेशन पहले कर लिया। इसीलिए आपने वहां अपनी चाल खेली। जितना आप सीधा बनने की कोशिश करती है ना, भगवान आपकी आत्मा को बहुत अच्छे से परख चुका है। समय का इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी चोट आपको लगने वाली है। आपने अपनी साजिश रची और आपने अपनी साजिश का अंजाम भी दिया। आपने अपने बच्चे के बर्थडे को मैंने चाचा होकर, इसने चाची होकर उस चीज को ऊपर रखा कि भाई बच्चे का बर्थडे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर प्ले बटन इंपॉर्टेंट है। लेकिन माफ करिएगा, ये कहूंगा, आपने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया, उसके बर्थडे का इस्तेमाल किया अपनी इस गंदी सोच को कामयाब करने के लिए, और आपने अपना वो सिल्वर प्ले बटन ओपन किया। आपको मुझसे कोई इतना प्यार नहीं था, ना आपकी जिंदगी में मैं इतनी अहमियत रखता हूं कि आप मुझसे जो सो कॉल्ड आज आप कह रहे थे कि वो पढ़ने के लिए कहा गया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए अगर आपने मुझे कभी उतनी रिस्पेक्ट और कभी उतना सम्मान दिया। मैं अपनी भाभी को इस घर में बहुत सपनों से लेके आया था, लेकिन पहले दिन से ही वो मेरा जो सपना था ना, वो चरमरा के रख दिया गया। आपने वो कामयाब किया, अपने आप को कामयाब बनाया, हम उस पर भी संतुष्ट रहे, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन ओपन कर देना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हमने उसको इग्नोर किया, बुरा ज़रूर लगा, हर्ट हम ज़रूर थे, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अगर हमें दुख इस चीज़ का नहीं था कि आपने सिल्वर प्ले बटन पहले क्यों खोला, लेकिन जो आपने साजिश की, साजिश मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये सोचा था, आपने फैमिली में किसी से डिस्कस नहीं किया था, ना आपने अपने माँ बाप से डिस्कस किया था, ना आपने हमसे डिस्कस किया था, हमसे तो शायद डिस्कस करना कभी जरूरी रहा ही नहीं, आपने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया था, आपने ऑन द स्पॉट, इनफैक्ट जितने भी लोग उस पार्टी में आए थे, किसी को भी अगर एक बंदा इस वीडियो में आके कह दे कि उनको पता था कि आज आपकी पार्टी में सिल्वर प्ले बटन ओपन होने वाला है, मैं फिर से कहूंगा आपका जूता मेरा सर, किसी को भी नहीं पता था। और अगर आपने, मैं मान लेता हूँ, सरप्राइज प्लान किया था, आपके अगर अंदर बड़प्पन होता, जो बड़े छोटे का भेद आप दिखाने हमें बार बार YouTube पर आते हैं, अगर आपके अंदर बड़प्पन होता तो आप अपने साथ साथ आप ये भी कह सकते थे, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन तो निक्की का भी घर में ही था, जब आप अपना लेके आए आप निक्की को भी कहते कि निक्की जाओ तुम भी अपना ले, और दोनों का खुल जाता। मेरी माँ थी जिसने कहा ये सुमित आपने तो हमें बुलाया भी नहीं था, आप हर एक एक इंसान को बुला रहे थे, मैं और निक्की तो बहुत पीछे खड़े थे, आपने तो हमें बुलाया भी नहीं उसमें आगे करने के लिए। मेरी माँ थी, उनको जब लगा कि नहीं मेरे बेटे का डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, मेरी माँ ने बोला कि सुमित इधर आओ। और मैं अपनी माँ को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, वरना अगर उस दिन वहाँ मेरी माँ ना खड़ी होती मैं आपके सेलिब्रेशन में कभी पार्ट नहीं लेता, क्योंकि आपने जो अपनी नाकाम, अपनी गंदी सोच को जो उस दिन जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया वो बहुत दिल तोड़ा था मेरा उसने। उसके बाद आप बात कर लेते हैं बहुत ओपनली आपके भाई की शादी की। आप आज आपके वीडियो में मैंने देखा एक लाइन कही गई कि मेरे भाई की जब शादी तय हुई तब रिश्ते निकल के सामने आने लगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं इस टॉपिक पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे अब निक्की के घर वालों के खास तौर पे, एंड पता नहीं हमारे भी हो सकता है अफेक्ट हो, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया। आज उसी घर की बेटी के ने, जिसके घर में शायद निक्की के पापा की वजह से ही वो शादी हुई, आप कह रही थी आपको शर्म नहीं है ये बात बोलते हुए। माफ कीजिएगा मैं शर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज सारी शर्मों हया आपने खो दी। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई कि मेरे भाई की शादी फिक्स होते रिश्ते निकल के आ गए। ऑन रिकॉर्ड है धनवी का जो नामकरण का फंक्शन था, आप सब वो वीडियो जाइए, पिछले दो तीन साल की वीडियो में है, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है, धनवी के नामकरण का वीडियो आप देखिए। मेरी माँ जो बैठी है आज, जो इतनी बुरी हो गई है सबके लिए, मेरी माँ ने मेरे सास ससुर से कहा, क्योंकि मेरी माँ को उनके माता पिता ने, मेरे भाभी के माता जी पिताजी ने कहा था कि आप कोई लड़की बताइए, हमें अपने बेटे की शादी करनी है, कोई ढंग की लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा है। बहुत रिश्ते आते थे, मेरी मम्मी को ले लेके जाया जाता था, आज वो बहुत बुरी हो गई हैं। मेरी मम्मी को ले लेके जाया जाता था लड़की दिखाने के लिए, और बहुत लड़कियां देखी गई, लेकिन कोई लड़की उनको नहीं समझ में आई, पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से भी कहा, मेरी मम्मी ने मेरे सास ससुर से कहा, आज वो भी इंसानियत भूल गई, और मेरी मम्मी के कहने पे मेरे सास ससुर ने फिर एक लड़की ढूंढी। उस लड़की के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता, या उसके परिवार के बारे में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके परिवार के बारे में भी मैं कुछ ना कहूँ।
मेरी मम्मी ने ही कहा मेरे सास ससुर को कि आप उस लड़की को धनवी के फंक्शन में बुलाइए, और वहां पे हम फरीदाबाद से भी लोगों को बुलाते हैं और आपस में लड़का लड़की सब परिवार एक दूसरे को देख लेंगे, अगर पसंद पड़ेगा तो आगे शादी की बात बढ़ाई जाएगी। उस टाइम तो आपके भाई की शादी फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन निक्की के घर वालों के कहने पर लड़की के घर वाले तो जरूर आए थे, लड़की भी आई थी, वीडियो में है सब कुछ देखिएगा। तभी भी निक्की ने उस लड़की को अपनी बहन की ही तरह ट्रीट किया था जिस दिन निक्की ने उस लड़की को उसकी शादी वाले दिन ट्रीट किया था। निक्की सुमित ने कभी कोई रिश्ता ना वीडियो के लिए नहीं बनाया है, या कभी कोई रिश्ता मौका देख के नहीं बनाया। आपकी तरह आपने अपनी जिंदगी का हर रिश्ता, जब जिससे जो फायदा मिला है, आपने अपने जिंदगी के रिश्ते उस हिसाब से बनाए। वो घटिया राजनीति हमने कभी अपनी जिंदगी में खेली नहीं, शायद इसीलिए आज आप अपने पर्सनल जिंदगी में अकेली खड़ी हैं और आज मेरे साथ मेरी पूरी ताकत खड़ी है। ताकत आपको आज तीन लोग दिख रही है ना, लेकिन जितने फोन्स और जितने लोगों के कॉल्स मुझे आ रहे हैं जब से ये वीडियो अपलोड हुआ है, और आई एम श्योर कि आपके पास शायद एक या दो कॉल से ज्यादा नहीं आएगा, आप वो छोड़ दीजिए आपके खुद के घर से आपके पास कोई फोन नहीं आया होगा, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है ये तमाशा बनने में, क्योंकि खुद की जिसकी कोई इज्जत नहीं रहती ना, दूसरों की इज्जत उछालने में उसको बहुत मजा आता है। उसके बाद वो आए वहां पे, लड़की को देखा गया, वो सारी चीजें हुई, लड़की पसंद आई, मम्मी ने खुद दिखाया। यहाँ मेरी कौन इतना करता है यार, जिसकी पोती का जन्मदिन था, जिसकी बेटी का जन्मदिन का नामकरण था, जिसकी बेटी का नामकरण फंक्शन था, वो नामकरण फंक्शन साइड में रख के उस गैदरिंग में मेन मुद्दा बनता है उनके भाई और उस लड़की की शादी की बात। मेरी मम्मी उनकी बातों आपस में बात करा रही है, उनको कुछ कह रही है, उनको कुछ कह रही है, और लड़की के घर वाले भी मेरी माँ की इतनी इज्जत करते थे, मेरे माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं, आज भी बहुत इज्जत करते हैं, कि उन्होंने उसके कहने पर बात आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसके बाद बात आगे हुई, मेरे ही घर में यही मेरी भाभी श्री हैं जो आज आके मेरे पे इतनी उंगलियां उठा रही हैं और मेरे पर इतने लांछन लगा रही हैं, मेरे ससुराल वालों को इतना उल्टा सीधा बोल रही है। मेरी यही भाभी थी जो मेरे ही घर में रह के, उस टाइम वो नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, जो फ्लोर आज उनसे बिल्कुल देखा नहीं जाता है, उसी फ्लोर पे वो रहती थी, और उसी कमरे में रह के मेरी ही सास से, मेरे ही ससुर से दिन में 10-10, 15-15, 20-20 बार बात होती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका प्रूफ लेके आऊंगा, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के लिए रिक्वेस्ट आज से 2 महीने पहले ही मैंने कर दिया था। मेरे सास ससुर से बात की जाती थी शादी की, वो करती थी, और मुझे नहीं पता, निक्की को नहीं पता, निक्की के घर वाले, अब आप सब मम्मी को नहीं पता लगता था। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अच्छा कामनी ने, उन्होंने नहीं बताया तो निक्की के घर वालों ने भी नहीं बताया। निक्की के घर वालों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इस बेवकूफी में बेवकूफ बने रहे कि उनको ये लगता था कि यार उसी घर से फोन आ रहा है, एक ही फ्लोर पे सब लोग रहते हैं, तो उनको नहीं पता होगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ये हैरानियां तो तब हुई जब ये बात सामने खुल के आई, हमें पता ही नहीं चलता था कि मेरे ही घर से मेरे ससुराल 10-10, 15-15 बार फोन जा रहा है एक ही दिन में, और सब बात हो रही है अंकल जी ऐसे करना है, आंटी जी वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे ससुर आज जो इतने बुरे बने हुए हैं, मेरे ससुर के साथ बाहर, मेरे ससुर निक्की की प्रेगनेंसी में तबियत खराब थी, उसको बाहर, नहीं प्रेगनेंसी के बाद की बात है शायद, उनके साथ बाहर जाया जाता है, मेरी यही भाभी श्री बाहर जाती हैं और उनसे बाहर बात करती हैं कि हम ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। आपके दिल में क्यों इतना पाप था शुरू से, मुझे आज तक वो चीज़ समझ में नहीं है। आपके अगर इंतर हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाली बनती, आज आप ऑन कैमरा कह के कहिए कि आप बाहर मेरे ससुर के साथ जो अपने भाई की शादी से रिलेटेड बात करने गई थी, आप क्यों गई थी, क्या मंशा थी आपकी। उसके अलावा फिर शादी सब कुछ हो जाता है, अभी तक सब आपके लिए बहुत अच्छे थे। निक्की जिसको आप शादी होते, जिस दिन निक्की शादी करके मेरे घर में आई, आप उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो निक्की भी आपको ठीक लगने लगी। निक्की के माँ बाप जो आपको शुरू से कभी पसंद नहीं थे, वो भी अब आपको अच्छे लगने लगे, आप उनसे दिन में इतनी बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने कहा, आपने हर रिश्ता अपने मतलब के लिए निकाला है। आपको अपने भाई की शादी करवानी थी क्योंकि आप बहुत लड़कियां देख चुके थे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके भाई की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत लड़कियां देख चुके थे, कोई अच्छी लड़की नहीं दिख रही थी, इसलिए आपको वो मतलब निकालना था। और आप कहते हैं ना कि पेट में पैस के, एक भोजपुरी में कहावत होती है पेट में पैस के धोखा दिया जाता है, वो काम आपने किया। आप शादी जब तक फिक्स नहीं हुई आपके लिए सब बहुत अच्छा था, शादी फिक्स होती है, एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट के बाद सडनली जो आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े समाज में, राजपूतों के समाज में, एक बार अगर, पहले के समाज में तो ये होता था कि लड़की कोई देख ले तो शादी नहीं तोड़ता था, आपको लगा कि अब तो एंगेजमेंट हो चुकी है, अब तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, अब तो कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आपने जो अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, आपको उसी दिन से जलन होने लग गई कि निक्की ने एंगेजमेंट में क्या पहना, मैं उस तरीके से नहीं पहन पाई, निक्की की तो वो दूर की बहन थी तो वो उस हिसाब से तैयारी करके गई, मेरा तो अपना सगा भाई था, फिर भी यार आप तो पैसे कमाते ही थे,
आप कर लेते, आपको तो कभी किसी ने किसी चीज़ की कोई सपोर्ट नहीं किया है। आज आप पैसों की और उसकी बात कर रही हैं, मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अपने शुरू से YouTube से पहले की जो आपकी दुनिया थी, आप जिस तरीके से रहती थे, आपका जो रहन सहन था, आपके जो कपड़े थे, आपने एक वीडियो में मुझे ये भी कहा था कि लोगों ने कहा था कि कपड़े उतर जाते, आपने उस बात पे भी मजा लूटने की कोशिश की थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, मेरा वो इंटेंशन कभी नहीं रहा। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने यूट्यूब पर आने से पहले देखिए, जब आपका एक एक कुर्ता मिंत्रा पर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि आपके मैंने अपनी शादी से पहले किस तरीके की ड्रेसेस लड़कियों की और किस तरीके के कुर्ते ऑर्डर किए हैं, तो शादी से पहले मेरी वाइफ तो थी नहीं, मेरी माँ इस तरीके के कपड़े पहनती नहीं है, वो मैंने किसके लिए ऑर्डर किया था, आपके लिए। और वो जो मैंने ऑर्डर किया था उसकी फोटोज़ भी मैं आपके निकाल के दिखा सकता हूँ। आज आपने, माफ़ कीजिएगा, बहुत मुझे मजबूर किया है सारी चीज़ करने के लिए, तो जब मैं इतना बुरा था फिर भी मैंने आपके साथ उतनी अच्छाइयाँ की, क्यों? क्योंकि मैं शुरू से चाहता था आपकी शादी करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी में शुरुआती ज़िंदगी में जो कमी रही, उस कमी को आपकी ज़िंदगी पर कभी मैंने हावी होने नहीं दिया। आपके भाई की एंगेजमेंट होती है, उसके बाद आपको लगता है कि अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, आपको उसी दिन से दिक्कत होना शुरू हो जाती है। आपने लड़की के घर वालों को भड़काना शुरू कर दिया, आपने इसके बारे में उससे उल्टा सीधा जोड़ना शुरू कर दिया, उसके बारे में उससे इतना झूठ सच बोलना शुरू कर दिया, जिसको आप अपनी जब कहानी बताती थी आप कहती थी कि आप प्लीज़ उनसे मत कहिएगा, आप उनसे कह देंगे ना तो मेरे साथ ही। आज जो आप यूट्यूब पर ड्रामा कर रहे हैं ना, एक्चुअली यूट्यूब के लोगों के लिए ये बहुत नई बात है, लेकिन हम आपको शुरू से, स्पेशली मैं आपको शुरू से बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आपने ये ड्रामा घर में भी रचा है, जिसकी से हर एक रिश्ता आपका टूट गया। और मैं आपको आज ये ओपन चैलेंज देके बोलता हूँ कि YouTube पे आने वाले समय में आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपने जो, आपकी जो घटिया राजनीति है, आपकी पर्सनल जिंदगी में भी इसका पर्दाफाश हुआ है, बहुत जल्द आपकी YouTube की दुनिया पर भी। आज आपको YouTube जो एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन आप उसका जो गलत इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत जल्द आपका उस YouTube पे भी पर्दाफाश होने वाला है। वही चीज़ आपने वहाँ भी करी, पर्सनल ज़िंदगी में इससे कुछ कहा, उससे कुछ कहा, वो आपके बारे में ये कह रहा था, वो आपके बारे में ये कह रहा था, आपने सारे लोगों के बारे में इतनी कन्फ्यूजन, इतनी चीज़ें क्रिएट की कि वहीं से आपने मेरे ससुराल वालों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर लिया। मेरे ससुराल वालों ने लड़की वालों के घर से कहीं ना कहीं डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर जी और लड़की के परिवार वालों का इतना स्ट्रांग रिश्ता है, जिसको आप शादी के इतना ड्रामा जो आज आप बता रही हैं उसके बाद भी आप उसको तोड़ नहीं पाए, और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। अगर आप जितना दर्द आके यहाँ बता रही है ना, उस लड़की के परिवार वालों ने उतना दर्द अगर बताया होता और उसके बाद उनका जो रिएक्शन निकल के आता, समाज आज आपको याद आ रहा है कि इतने समाज में क्या बेइज्जती हुई क्या नहीं हुई? लड़की वालों के अंदर तो इस तरीके का कोई चीज़ मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि सही और गलत की परख हर इंसान को है, जैसे आपको है, उनको भी है, हमें भी है। उसके अलावा उसके बाद आपने वो सब चीज़ें करना शुरू किया, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद सीधा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं, क्योंकि एक एक दिन की जब बात निकालने की बारी आएगी, मैं भी प्रूफ के साथ ही अब सामने आऊँगा, अब तो जंग हो चुकी है, तो अब तो खुलेआम होगी। उसके बाद आप तिलक की बात आपने कही, और आप, मैंने देखा आपका वीडियो, आप मुझे कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई आया था कार्ड देने, आपका छोटा भाई आया था कार्ड देने आपके मामा के घर पे, मेरे मामा के घर पे। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी के बेटी के ससुराल वाले को कार्ड दिया जाता है। और आपका, आपने कहा कि, उन्होंने कहा कि जीजा जी आप भी आएगा, दीदी आप भी आएगा, आप अपने बेटे की कसम खा के कह दीजिए, मैं माफ़ करूँगा इतनी छोटी सी बात के लिए मैं कह रहा हूँ, कि आपके छोटे भाई ने या आपके बड़े भाई ने भी, बड़े भाई की तो खैर उम्र में और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपके छोटे भाई ने कभी मुझे जीजा कहा होगा? ईमान, अगर आपके अंदर ईमान बचा है तो आप अपने बेटे की कसम खा के कह दीजिए कि आपके छोटे बहन, जबकि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी जीजा नहीं कहा होगा। और आप मुझे कह रहे हैं कि उसने कहा कि जीजा जी आप भी आएगा वो भी आएगा, ये सरासर झूठ बात है। और अगर आप इसको प्रूफ कर सकती हैं, अगेन आपका जूता और मेरा सर, वहां पे दिया गया कार्ड, कहा गया इनके भाई ने जरूर कहा था कि सुमित जी आप भी आइएगा, निक्की को भी लेके आइएगा, हमने कहा कि जरूर, लेकिन इनके ना माँ बाप की तरफ से ना, क्योंकि तब तक परिवारों में इन्होंने स्पेशली जो किया था निकी के घर वालों के साथ, और निकी जो लड़की के घर वाले थे उनका जो रिश्ता बिगाड़ने के लिए जो इन्होंने चीज़ें कहीं, इन्होंने उस बीच में मेरी माँ को भी लपेट दिया। मेरी माँ से कई बार फ़ोन करा दिए गए लड़की वालों के यहाँ अपने दिल की बात कहने के लिए, और कोशिश की कि मेरी माँ बुरी बन जाए लड़की वालों के यहाँ, लेकिन मेरे माँ बाप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें। आप अगर इस बात पर आकर, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, अगर इस बात पर आपने आके कही, मैं भूल जाऊँगा लड़की के घर वालों की भी इज्जत, और मैं बहुत कुछ फिर खुल के कहूँगा। आपने आके वो सब भी कहा, मेरी मम्मी को भी वहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो कहा जाता है ना
हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, मेरी माँ क्या चीज़ है ये दुनिया जानती है। आज इस दुनिया में अगर 10 लोग मेरे साथ खड़े हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ अगर कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन अगर कोई कहता है कि आप उस घर की बहू हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस औरत और उस आदमी, मेरे माँ और बाप की इज्जत जो उन्होंने कमाई है, जिसको आज आपने रौंद दिया, उसकी वजह से आज हम इतने प्रोटेक्टेड बचे हैं। लेकिन आज आपको लग रहा है ना कि खुले बाजार में सब कुछ उछाल के, तो आज आप ये समझ लीजिएगा आज आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम टूट गया और आज मेरा भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम टूट गया। क्योंकि आप अब तक जो चीज़ बंधे में थी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से लड़ पा रहे थे, लेकिन आज जो आपने इतनी खुले से आके ये सारी चीज़ें कही, आज आप भी बहुत कमज़ोर हो गई इस खुले समाज में और हम भी बहुत खुले समाज में बहुत कमज़ोर हो गए, और ये समाज अब ना आपको जीने देगा और शायद ना अब हमको जीने देगा। तो उस आपने फिर वो सारी चीज़ें कही, हमें कोई, तब तक आप इतनी नफरत भर चुकी थी ऑलरेडी, आपने हर एक कोशिश की रिश्ता वहाँ से बिगड़ जाए, मतलब आपने, मैं इतना कहूँगा कि आपने एक कोशिश बाकी नहीं रखी जिससे कि आप ये कर पाए कि निक्की और सुमित कैसे उस शादी से बिल्कुल दूर रहे, ना सिर्फ निक्की और सुमित, निक्की के घर वाले इस शादी से कैसे बिल्कुल दूर है। आपको इतनी ही दिक्कत थी, परेशानी थी, आपको बिल्कुल पता था कि लड़की का रिश्ता निक्की के घर वाले लेके, आप तब मना कर देते ना, तब मैं आपका बड़प्पन मानता, लेकिन तब तो अपने फायदे का सौदा दिख रहा था। तब तो निक्की के माँ बाप जो आज एकदम नफरत भरे से, और उनको मेरी पार्टी में आने पे जब कहा जाता है कि इस औरत और इस फोटो में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने नहीं बुलाया था, शर्म आनी चाहिए थी आपको कि आपने उस, जिसने आपके भाई का घर बसाया, उस औरत के लिए आपने उस शब्दों का प्रयोग किया था। आज आप औरत की रिस्पेक्ट करना मुझे सिखाती हैं। तिलक में मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरी माँ ने बताया, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ के कहने पे गया, क्योंकि मेरी मम्मी का ये मानना था कि अगर तिलक में सुमित नहीं जाते हो तो हमारी भी इज्जत है। मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि नहीं मम्मी, अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी और मेरी भाभी की बात, मेरे ख्याल से शादी जब वो करके आई उससे 2-4 महीना तक ही शायद मेरी उनसे ठीक ठाक बात ही होगी, उसके बाद आज तक मेरा उनके साथ रिश्ता कभी अच्छा था ही नहीं। शायद वो बहुत किस्मत वाली थी कि उनको मेरे जैसा देवर मिला, या शायद मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरे को ऐसी भाभी मिली, लेकिन मेरा रिश्ता कभी एक उनके साथ अच्छा रहा ही नहीं। और ऐसा नहीं था कि उनसे, उनको मुझसे दिक्कत थी या मुझे उनसे दिक्कत थी, उनका जो परिवार में चलन था, उनका जो मेरे भाई को लेके चीज़ें था, उनके परिवार वालों का, हमारे परिवार वालों को लेके जो चीज़ें थी, मैं शुरू से अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टेड खड़ा रहा हूँ, और हमेशा अगर मैंने किसी से दुश्मनी ली है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए लिया। आज चिकनी चुपड़ी बातें करके मैं भी अगर चाहता तो सिर्फ अपने बारे में सोचता और इतना तमाशा कभी नहीं होने देता, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की वजह से मुझे इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वरना आज जो आप मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आज जो आप मुझे आके कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप है, कि अब किचन कैसे नहीं होगा, आज से 2-3 साल पहले आपने अगर ये बात मुझे इस तरीके से आके सोशल मीडिया पर बताई होती ना, तो शायद आज स्थिति बहुत अलग होती और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते। तिलक में फिर भी मैं अपनी माँ के कहने पे गया, वहां हम जाते हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, जबकि मम्मी हर जगह अपने साथ मुझे लेके जा रही थी कि मुझे इंसल्ट फील ना हो, मतलब ऐसे वहां पे मेरे साथ किया गया। वो वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके चैनल पे भी, उनके भाई के, उनके चैनल पर भी जाके, उनके चैनल पर भी जाके आप उनके भाई के तिलक का वीडियोस देखिए, हम निक्की के चैनल पे भी आप जाके उनके भाई के तिलक का वीडियोस नहीं बनाया था तो उनके चैनल पे आप जाके वीडियोस देखिए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कितना रिस्पेक्टफुली पूछ रहा है। मैं उस घर का दामाद नहीं था, लेकिन मैं उस घर के दामाद का बेटा था, भाई था, तो शायद कहीं ना कहीं उस घर के दामाद जितनी इज्जत तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इज्जत डिजर्व करता था। निक्की से चलिए आपकी दुश्मनी थी, मेरी तो रिस्पेक्ट कर रहे थे, किसने मेरी रिस्पेक्ट की। दूसरी बात जो आपने अपनी वीडियो में आके कहा कि आपकी मम्मी ने कहा, रोका निक्की को कि रुक जाओ तिलक हो जाने के बाद, आपकी मम्मी ने बात कब कही? अगर आप इतनी ही प्रूफ की बात करती हैं, मैं आपसे कहता हूं कि डाइनिंग टेबल पे जब सब खाना खाने बैठे हुए थे, आपकी मम्मी भी बैठी हुई थी और हम सब भी बैठे हुए थे, निक्की भी बैठी हुई थी, आपकी मम्मी ने बात तब कही। और सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाने तिलक से पहले बैठे होंगे या तिलक के बाद बैठे होंगे। पूरा तिलक बीत जाता है, सुमित को, निक्की को कोई एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछता है, और डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद आपकी मम्मी को याद आता है कि निक्की तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपकी मम्मी को दोष नहीं दूंगा, ये सिखाया पढ़ाया आपका था, क्योंकि आपके दिल में ये चीज चल रही थी कि अगर निक्की यहाँ नहीं रहती है, यहाँ से वहां चली जाती है, तो निक्की के ब्लॉक्स चल जाएंगे। शुरू से आप निक्की से कंपटीशन करती रहीं, लेकिन आप निक्की तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी, ये आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ। आज आपने जिस तरीके का वीडियो शायद बनाया है, उससे हो सकता है कि कुछ व्यूअरशिप घटे बढ़े, कुछ फॉलोअरशिप घटे बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 3-4 साल तो आपने निक्की को नीचा दिखाने की कोशिश ही की है, आज आप कहाँ निक्की से आगे निकल पाई हैं।
क्यों? क्योंकि भगवान का साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितना आप लोगों को समझ रही है, आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपकी मम्मी को तब याद आता है तिलक के बाद भगवान ने क्या नहीं दिया कि कह रहे कि इसीलिए फल मिला। क्या फल मिला? तिलक के तिलक जब पूरा हो जाता है, सारे फंक्शन बीत जाते हैं, लड़की के घर वाले मेरी मम्मी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निक्की को जाने दीजिए, वो सारी चीजें आप देख लेती है। बेटे को यहाँ नोएडा छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं जाने देंगे तो कोई नहीं, उसको छोड़ती हूँ कि लेके जाएगा। तो वो सारी चीजें जब आप देख लेती है तब आपकी मम्मी को याद आता है कि नहीं, निक्की को रोक लेना चाहिए। उस निक्की को तो मुझे नहीं दिया था, उस निक्की को तो नमस्ते करने पे किसी ने सीधे मुंह आशीर्वाद तक नहीं दिया था। हम आपके घर में गए, हमें किसी ने घर में बैठाया नहीं, तुरंत हमें कह दिया गया कि वहां पार्क में फंक्शन हो रहा है वहां चला जाए। और उस मम्मी को सडन, उस निक्की के लिए सडनली आपकी मम्मी के दिल में इतना प्यार आ गया। आज आप अपनी मम्मी को सामने ला के कहिए कि निक्की के दिल में जेन्युइनली उनके दिल में बहुत प्यार आया था और इसलिए उन्होंने ये बात कही। मुझे गुस्सा सिर्फ तब इसी बात का आया था। और आपने जो शब्दों को घुमाकर बात करने की कोशिश की, एग्जैक्ट शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी जनता को बताता हूँ, मैं उन लोगों को बताता हूँ जो आज मुझे गालियां दे रहे हैं यूट्यूब पर, मुझे क्यों नहीं बुरा लगेगा? क्योंकि मेरी वाइफ किसी के यहाँ पार्टी फंक्शन में ना किसी का मुंह देख के नहीं जाती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली जाती है और वहां जाती हैं जहां उनको रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है। और ऐसा ये करती हैं, ये दुनिया की इकलौती इंसान है, हर इंसान वहीं जाना पसंद करता है जहां उसको रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है, प्यार से बुलाया जाता है। मुझे इतना दिल मेरा इसलिए दुखा था क्योंकि आपने इस चीज की तो कभी रिस्पेक्ट की ही नहीं कि कहीं ना कहीं निक्की की वजह से ही आपके भाई की शादी हो पाई या वो घर बस पाया। आप इस चीज की तो रिस्पेक्ट कर रहे थे यार कि मेरी देवरानी, मेरे घर में पहला फंक्शन है, मेरे मायके साइड में पहला फंक्शन है, तो मेरी देवरानी को एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। क्यों? छोटा होने के नाते निक्की की क्या इतनी भी उम्मीद नहीं रहती? उससे पहले तो निक्की आपके घर के किसी भी फंक्शन में नहीं गई थी, लेकिन आपने उस बारे में तो कभी नहीं सोचा। क्यों? आप तो औरत की बहुत, आप औरत की बहुत बड़ी परिकाष्ठा है। इस औरत के लाज लिहाज सम्मान के बारे में आपने आज तक क्या किया है? अगर आज आप पे लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने हमेशा इस औरत को नीचा दिखाने की कोशिश की और हमेशा आप उस चीज को नकारती हैं, तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि इस औरत के, मान लेते हैं अगर आपने इस औरत के सम्मान को बढ़ाने के लिए कोई चीज, घटाने के लिए कोई चीज नहीं की, इनके बारे में कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, इनको गलत दिखाने की कोशिश नहीं की, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, आप ये बता दीजिए इस औरत के सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है? शुरुआत हमेशा, पहल हमेशा बड़े को करनी पड़ती है। आपने वो कभी नहीं किया, इसलिए आपको वो कभी मिला भी नहीं। उसके बाद मैंने आपकी माताजी ने जब मुझे ये कहा, मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी मैंने आपके माताजी से सिर्फ एक यही लाइन कही थी, इन्हीं शब्दों में कही थी, मैं चैलेंज करता हूं अगर आपके सामने प्रूफ है आप प्लीज लेके आइए, आपका जूता मेरा सर। मैंने आपकी माताजी से सिर्फ यही कहा था कि मम्मी जी, उतना देर से निक्की रली है तब रौरा निक्की के ध्यान ना, अब जाए लगनी है जा तब रौरा निक्की के ध्यान ना। इसका हिंदी में भी मतलब बता देता हूँ। मैंने कहा कि मम्मी जी, उतनी देर से निक्की थी, आपको तब निक्की का ध्यान नहीं आया, निक्की को एक बार किसी ने पूछा नहीं, और आप जाने के टाइम आप कह रही हैं कि निक्की रुक जाओ, शादी वादी का सब फंक्शन देख के जाना, कल माटी कोड़ाना है तो और भी दो तीन फंक्शन है तो कल वो सब देख के जाना, तो मैं क्यों उस चीज को। उसके बाद आपकी मम्मी उसको कवर करने लगी। फिर मैंने दूसरी लाइन ये कहा कि जब आपके क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप अपनी मम्मी को ऑन कैमरा लाके भी पूछवा सकती हैं बात। आपकी मम्मी ने ये जवाब दिया कि का है, वो एक घर की बेटी नहीं, मतलब वो इस घर की बेटी नहीं है, तो उनको बुलाने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि उस घर के लिए शायद ये भी एक बेटी थी, निक्की के घर के लिए शायद मेरी भाभी भी एक बेटी थी, लेकिन तब मैंने ये कहा, और यहाँ पे ये लोग मुझे बता दें अगर मेरी ये बात गलत हो, तो मैंने तब उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से मानता हूँ कि निक्की भी आपके घर की एक बेटी जैसी है, लेकिन जब आपके घर से लोग आपकी अपनी बेटी को लेने उनके ससुराल आए थे कि चलो हमारे घर हल्दी कूटने का फंक्शन है, उस दिन भी तो कोई उस बेटी को बोलता या उस बेटी को भी तो लेके आता, तब मैं मानता ना कि आपके 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 दिल में फोन ही आया था मम्मी। लेकिन जब वो उस घर में गए तो क्या आपने अपनी बेटी को, आप अपने मायके वालों से पूछिए, क्या आपकी अपनी बेटी से आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि बेटा जैसे तुम हमारे लिए बेटी हो, तुम आ रही हो हल्दी के फंक्शन में, आप निक्की को भी लेके आना, वो भी हमारे जैसा, हमारी हमारी बेटी जैसी है। तो फिर आपने उस दिन वहां डाइनिंग टेबल पे बात क्यों कही कि निक्की घर की बेटी ना है, वो काहे ना रुकी शादी ब्याह के फंक्शन में, बेटी हल्दी कुटाने के टाइम पे नहीं आ रही, लेकिन वो बेटी तिलक वाले दिन जब लड़की के घर वाले निक्की को जिद कर रहे थे अपने घर ले जाने के लिए, तब वो बात क्यों ध्यान में। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है भाभी श्री कि उनका गेम आपको नहीं समझ में आ रहा है।
इसीलिए अब कोई दूसरा ट्रिक अपनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा किया मैं कहता हूं कि आज आप ये वीडियो लेके आए, क्योंकि इस वीडियो से आपने अपनी आने वाली जिंदगी में अपने रास्ते खुद बंद कर लिए। उसके बाद सब चीजें होती है, निक्की जाती है घर, आपको अच्छा जो बहुत सारे आरोप लगाए गए मुझे, मैंने बहुत बदतमीजी की, ये किया वो किया उनकी मम्मी के साथ, उनके पापा के साथ, और उनके घर पे बहुत कुछ कहा है ना, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी सारी बातों को मैं बिल्कुल सिरे से निकालता हूँ। मैं लोगों से सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ जब इनकी मम्मी से ऐसा मेरी बातें होगी, मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के वो करता हूँ, जब आपने हल्दी कुटाने के टाइम पे निक्की को बेटी के तौर पे नहीं बुलाया था, तो आज आप ये मत कहिए कि वो भी मेरे घर की बेटी है, मैं इस चीज से नहीं मानू। आपने वो उस दिन भी वो अगर मसला खराब किया था, वरना जब तक आपने नहीं बोला था बीच में, आपकी मम्मी भी मुझसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी, मैं भी आपकी मम्मी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, आप वहीं बगल में बैठी हुई थी, आपकी और मेरी मम्मी की बात चल रही थी, ना मैंने तब तक आपकी मम्मी को कोई गाली गलौज दिया था, ना मैंने कोई अपशब्द कहा था। आपने इतने घटिया टोन में आपने उनसे कहा, आज आप कह रहे हैं कि मैंने कहा, उनको आपके शब्द में बताता हूं कि उस दिन आपने किन शब्दों का प्रयोग किया था। आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी उंकरा से, जो लोग भोजपुरी समझते हैं ना उनको ये बात समझ में आएगी कि देवर के लिए उंकरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं। आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी उंकरा से आज लेके हूँ जीतल बा कि तू चलल बड़ उंकरा से बहस करे, और मैं तो स्टोन में भी नहीं बोल रहा जिस स्टोन में आपने ये चीज कही थी, और वहां पे कौन कौन बैठा हुआ था, वहां पे लड़की के घर वाले, लड़की के भाई बैठे हुए थे, क्योंकि वो निक्की को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। आज जो उनका भाई उस घर का जीजा है, उससे पहले वो लोग मुझे जीजा बोलते थे, वो भी वहां बैठे हुए थे, मेरा परिवार वहां बैठा हुआ था, आपके मायके के कई लोग बैठे हुए थे। आपको शर्म नहीं आई उस टाइम सोचते हुए या बोलते हुए ये सब चीजें कि मैं अपने देवर के बारे में इतने सारे लोगों के बारे में क्या कह रही हूं? आज आप मुझे हर चीज का ब्लेम कर रही हैं कि लोगों के सामने, समाज के सामने मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। आपको नहीं लगता कि उस टाइम आपने वहां गलत बोला? और जब आपने गलत बोला, क्योंकि शायद जो आप बार बार आके कह रही हैं कि मर्यादा का उल्लंघन, हदें पार कर दिए, वो उस दिन आपने भी अपनी हद पार की थी, जिसकी वजह से फिर मैंने भी आपकी मम्मी को बहुत उल्टा सीधा बोला। बहुत उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने, आपकी मम्मी को सिर्फ ये बोला कि आप रहन देख रही हैं, इनके इसी रहन से मेरे घर का सारा माहौल खराब हो रखा है। जो इनका ये टोन है बात करने का, जो इनकी अकड़ है, बीच बिना बात किसी दो लोगों की हो रही होगी, इनका जो बीच में बोलने का जो आदत है, लड़ाई इधर से उधर लगवाने की, इसी वजह से आज मेरे घर में इतनी कलेशबाजी चल रही है। मैंने बोला आपकी मम्मी को, फिर मैंने उसके बाद कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए, वरना उनका घर बर्बाद हो जाएगा। और आज मैं कहता हूं कि अगर समय रहते आपके माँ बाप ने आपको समझाया होता, तो आज आपका घर बर्बाद जो आज हुआ है वो कभी बर्बाद नहीं होता। निक्की चली जाती है लड़की के घर, वहाँ फंक्शन वगैरह में एंजॉय करती है, वीडियोस अपलोड करती है, बनाती है। आज आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कि वीडियो बनाने के लिए चली गई थी? जिसके घर की वो लड़की थी, जिसके घर के फंक्शन में निक्की को इतने रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था, उस घर के लोग तो आप वो सारी वीडियोस उठा के देखिए बहुत खुशी खुशी। आज उनकी जरूर मजबूरी है, वो कुछ आके ऑन कैमरा डेफिनेटली नहीं कह सकते, हम चाहेंगे भी नहीं कि कभी वो लोग इन सब चीज़ों में पड़े, लेकिन आप निक्की की वो सारी वीडियोस उठा के देखिए। अगर उन निक्की के उन वीडियोस में उस दौरान के, वो चाहे हल्दी का फंक्शन हो, मेहंदी का फंक्शन हो, या शादी का फंक्शन हो, कोई भी इंसान अगर निक्की के वीडियो में आपको ना खुश लग रहा हो, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से कभी कोई दिक्कत रही नहीं थी। अगर उनको दिक्कत होती तो शायद वो निक्की को इतने प्यार से अपने घर लेके कभी नहीं जाते। और मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के, अपना माथा उन लोगों के सर पे लगाता हूँ कि इतना सब षड्यंत्र रच देने के बावजूद उन लोगों ने कभी भी हमें, मेरे रिस्पेक्ट में, निक्की के रिस्पेक्ट में, निक्की के घर वालों के रिस्पेक्ट में, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है जो आज आप मुझे गिना रहे हैं कि किसी की बेटी की शादी में, वो बेटी के घर वाले आज भी मुझे आपसे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और इस चीज़ के लिए कोई मुझे कहे ना, मैं भरे समाज में उन लोगों के पैर पकड़ के और उनसे जो कहने को, जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आप मेरी घर की हैं, मेरे घर भाभी हैं, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। शादी में उसके बाद निक्की का वो सारी चीज़ें चली, आप तो हर एक वीडियो में आपका रिएक्शन आ रहा था, आपको देख के प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि शब्दों में तो आके आप निक्की से खेल जाती थी यूट्यूब पे वीडियोस में और वो, लेकिन आप निक्की से कभी एडिटिंग में आगे निकल पाई ना, आप निक्की से कभी वीडियो को फास्ट एडिट करके अपलोड करने में आप निकल पाई। तो इस वजह से जब आप निक्की से आपने हर प्रपंच रच के देख लिया, हर चीज़ आपने करके देख ली, वो तो एक फेयर कॉम्पिटिशन था ना। या मेरे घर में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, या अगर कोई ऐसी कॉमन चीज़ चल रही है जहाँ आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, निक्की भी ब्लॉगिंग कर रही है, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। निक्की के अंदर वो टैलेंट था, निक्की फटाफट एडिट करती थी, कहाँ क्या रिकॉर्ड करना था वो करती थी और अपना वीडियोस डालती थी। आपके अंदर वो टैलेंट आप डेवलप करते, नेचुरल तो आपके अंदर नहीं था।
लेकिन आप वो टैलेंट डेवलप करते उससे आगे निकलते, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी खूबियां पता हैं, इसलिए आपने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, आपने हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आपके अंदर बहुत आग लगी हुई थी। और मैं एक चीज और कहूंगा कि जब इनके घर की बात हो गई, फिर मैं वहां से गुस्से में निकलने लगा, मेरी मम्मी को बहुत खराब लग रहा था कि मेरा बेटा बहू जिसको मैं ही कहने पे लेकर आई हूं वो इस तरीके से यहां से जा रहे हैं, और मेरी भाभी की मम्मी भी, मैं उनको कोई दोष नहीं दूंगा इस चीज के लिए, उन्होंने भी फिर वो मुझे बोलती रही कि रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं जाइए, ऐसे नहीं जाइए, ऐसे नहीं जाइए, लेकिन ये इंसान बिल्कुल नहीं चुप हुआ, बोलती रही बोलती रही बोलती रही, होते होते जहां से फंक्शन हो रहा था वहां से हम लोग जाते हैं इनके घर के पास। उस टाइम पे आपकी बुआ के एक बेटे वहीं खड़े थे और आपके बीच वाले चाचा वहीं खड़े थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप इतनी सच्ची हैं, तो आज आप अपने बीच वाले चाचा को लेके आइए और आज आप अपने उन बुआ के बेटे को लेके आइए जो आपकी शादी में आए थे, जरूरत पड़ेगी तो मैं उन लोगों का नाम भी लूंगा, और वो ये कह दें कि जो सुमित ने कहा, मैंने गुस्से में चीजें कही हैं, मैं उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सुमित की गलती थी, तो फिर से मैं कहूंगा आपका जूता और मेरा सर। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, मैं आज आपको खुद मान गया कि आज आप बहुत शक्तिशाली हैं, आज आपने मेरी बीवी को और मेरी माँ को जिस हालत में पहुंचाया है, मैं सही में ऑन कैमरा आपसे कहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप सही में बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि इस हद पे आप गिर जाएंगी ना, शायद आपने जो आज काम मेरे साथ किया है वो मेरी जिंदगी में जो मेरे और दुश्मन है ना उन्होंने भी, या शायद मुझे लगता है कि किसी दुश्मन ने भी किसी के साथ वो काम नहीं किया होगा जो आज आपने भाभी होकर मेरे साथ जो चीज की है। उसके बाद शादी के दिन बारात, हम निक्की ऑलरेडी वहीं थी, मेरे मम्मी पापा को लेके मुझे नोएडा से डायरेक्ट शादी में जाना था। आपके अंदर अगर कोई प्लानिंग नहीं थी, आपके अंदर चीजों को लेके किसी तरीके का कोई नेगेटिव वो नहीं था, क्यों लड़की वालों के घर फोन जाता है कि आप लोग संभल के रहिएगा शादी में ड्रामा होगा? इसका मेरे पास प्रूफ है, और अगर आपने मुझे अब छेड़ा मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ये मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा आज सब कुछ बर्बाद हो चुका, और मैंने जिस मेहनत से जितने रिस्क से मैं सारी चीजें यहां लेकर आया था वो आज आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए आज आपने मुझे भरे समाज में ना नंगा खड़ा कर दिया, इसलिए अब मैं क्योंकि नंगा हो चुका हूं तो मैं भी अब किसी चीज का कोई लिहाज नहीं करूंगा। आपके अंदर अगर हिम्मत है आप इस बात को कह के दिखाइए कि आपने, आपके घर से ये चीज नहीं पास ऑन किया गया था, ये मैसेज नहीं गया था लड़की वालों का कि सुमित यहां ड्रामा करके गया है, शादी में ड्रामा होगा। सुमित तो ये सोच के नहीं गया था कि शादी में ड्रामा होगा, आपके अंदर ये क्यों चीज आई कि शादी में ड्रामा होगा? चलिए हो सकता है अब आप ये कहने आ जाएं कि क्योंकि मैं वहां कुछ गुस्से में बोल के आया था इसलिए आपको लगा होगा कि सुमित शादी में भी बोल देगा। बिल्कुल सही बात है, इस बात को मान भी लिया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीधा जयमाला वाले इंसिडेंट पे जहां पे ये सारी चीजें हुई। जयमाला जब होती है, आज आप सफाई दे रही हैं कि मेरे भाई को जरूरत थी, उसको थोड़ा सा, जब जिसकी जो शादी होती है तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो जिसके क्लोज होता है उसको ढूंढता है, वो ये करता है। आपका भाई एक लड़का था, उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था तो उसको अपनी बहन की ज़रूरत थी। आपने एक औरत होने के नाते, आपके भाई से जिसकी शादी हो रही थी वो भी एक औरत है, उसके बारे में नहीं सोचा कि मेरे भाई जब एक लड़का है उसका इतना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। सबका होता है, मेरी भी शादी हुई है, आपकी भी हुई है, ये वीडियो देखने वाले हर लोग की शादी हुई है, सबका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपने अपने भाई के बारे में सोचा, आप स्टेज पर चली गई, आपके भाई ने बुलाया, या वरमाला का जो राउंडिंग वाला जो भी लगा हुआ था जो आप एक्सप्लेन करके बता रहे थे, आप चली गई। आपने क्यों, निक्की को हटा दीजिए, निक्की की बात पे मैं बाद में आता हूँ, आपने क्यों, आप औरतों के लिए इतने सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, मर्दानगी वाला शब्द मैंने इस्तेमाल किया तो आपने पूरा मोर्चा वो कर दिया, और जब उस 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 जो पॉलिटिक्स आपने खेला उसमें आप कामयाब नहीं हो पाई तो आज आपको ये वीडियो लेके आना पड़ा। अगर आप औरतों की इतनी ही फिक्र करती हैं, इतना ही आपके बारे में सोचती हैं, आपने अपनी होने वाली भाभी के बारे में इतना नहीं सोचा कि यार मेरे भाई का कॉन्फिडेंस इतना लो है और मैं उसके साथ खड़ी हूं, तो वो सामने खड़ी हुई लड़की के लिए भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है? अगर है, आज आप ऑन कैमरा कह के दिखा दीजिए। आज तो हो सकता है कि आप एक दो लोगों को ला के झूठ कुछ बुलवा दे, कुछ कह दे, उस दिन का वीडियो आप ला के सामने दिखाइए लोगों के कि लड़के के सपोर्ट के लिए तो आप खड़ी थी, लड़की के सपोर्ट के लिए कौन खड़ा था, और क्या वहां नहीं खड़ा होना चाहिए? ये वीडियो देखने वाले सारे लोग ही मुझे बता दे कि क्या वहां लड़की के सपोर्ट के लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने ही वीडियो में कहा कि मेरे दोनों भाई नीचे खड़े थे, कि ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए,
और आपने ये भी कहा खुद, देखिए जो अपने आप को शब्दों का बहुत माहिर समझता है ना, वो अपने शब्दों के जाल में खुद फंसता है। आपने अपने ही वीडियो में आज खुद कहा कि मेरी भी शादी में ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल आपकी शादी में हुआ था, और आप अपनी शादी का रिकॉर्ड, इनकी शादी का जो वीडियो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनकी शादी का जो जयमाला वाला वीडियो है वो आप जाके देखिए, और उसमें एक दो कैमरामैन थे जो ऊपर चढ़े हुए थे, और सिर्फ एक इनकी बुआ के बेटे थे जो पूरी जयमाला होने तक वहीं खड़ा था, या एक आधा लोग अगर कोई और भी होंगे तो वो इन्हीं की फैमिली का था। मेरी फैमिली का कोई भी इंसान, जबकि मेरे आज वो कह रहे हैं कि इनकी माँ खड़ी थी उनकी सपोर्ट के लिए, आप वो वरमाला वाला वीडियो देखिए, जब वो वरमाला जयमाला हो रही थी, क्या मेरी माँ वहां खड़ी थी? इनका झूठ और सच, ये कितनी सच्चाई बोलती है, आप सबको खुद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकी बेटी की शादी में आज उस घर के बेटे का कॉन्फिडेंस लो था, जिसको सपोर्ट करने के लिए ये मोहतरमा वहां खड़ी थी, लेकिन जब इस घर की बेटी की शादी हो रही थी, उस घर की बेटी को सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन तभी भी इन्होंने नहीं सोचा, इस घर के बेटे का कॉन्फिडेंस भी लो है, इस घर की बेटी का कॉन्फिडेंस भी लो है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने इनके भाई की शादी जिस लड़की से हो रही है उसके सपोर्ट के लिए भी शायद वहां पर किसी को खड़ा होना चाहिए। निक्की को आप हटा दीजिए, आप ही ने अपने वीडियो में कहा, एक सेकेंड, आप ही ने कहा कि निक्की के अलावा उनकी 5-7 और बहनें थी, बिल्कुल थी, आपको निक्की से दिक्कत थी, आपने क्या उन 5-7 बहनों में से किसी से जाके बोला कि तुम आ जाओ? कहा हो तो आप मुझे बता दीजिए आके। और दूसरी मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो जयमाल का जो प्लेट है जो, नहीं वो तो मैं आता हूँ उस पे, मैं आता नहीं उस, वो उसका सीक्वेंस वहीं से बता रही हूँ ना, ये जो है प्लेट है जो चाची लगती है मेरी, वो बोली कि लेके आओ, तो मैं लेके आ रही थी प्लेट को, मैं आप वीडियो जाके देखना ब्लॉग्स, वो प्लेट मैं लेके आ रही थी ना, तो पता नहीं तभी मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि मुझे वो किया जाएगा, तो मैंने वो जयमाला का प्लेट उसी टाइम किसी और को पकड़ा दिया था एंट्री के टाइम में। फिर मैं वहां पे जाके खड़ी हुई, तो स्टेज पे जो उसके साइज की लड़कियां थी उनको चढ़ना था, तो उन्होंने बोला, उस पे मैं आता हूँ, वो चीज आप बताना उस पे मैं आता हूँ। तो उसके बाद जो निक्की ने आपको बताया वो हुआ, प्लेट जयमाला में दिखाई गई। निक्की दरवाजा बंद कर, रवि ने दरवाजा बंद कर दो बेटा। और निक्की जयमाला लेके आई, तो कोई चोरी छुपे तो ला नहीं रही होगी कि वो जयमाला कोई देखना पाए? मैंने देखा, आपने देखा, और भी बहुत सारे लोगों ने देखा। तो ये जो प्लानिंग आपने रचा ना अपने भाई की शादी खराब कर देने के लिए, आपसे ज्यादा गिरा हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप, मैं दुख मना रहा हूँ अपने लिए, आपसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान इस धरती पर शायद कोई होगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वीडियो की कमाई को बनाए रखने के लिए अपने भाई की शादी तक खराब कर दी। आप मुझे उसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं, मैं आपको उसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। वो इतना खूबसूरत रिश्ता बनाने की कोशिश की थी मैंने, निक्की ने, मेरी माँ ने, निक्की के घर वालों ने, लेकिन वो सारे रिश्ते पे जिस तरह के से आपने आग लगा के सारी चीज़ों को खराब किया, भगवान उसी का आज फल दे रहा है कि आज आपके साथ आपकी पर्सनल जिंदगी में ना आपके मायके की साइड से कोई खड़ा है, ना आपके ससुराल की साइड से कोई खड़ा है। तो देखा गया, आपने सारी प्लानिंग की कि किस तरीके से क्या कहना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं कहा। आपने अपने वीडियो में खुद कहा कि मेरे भाई को लगा तो हम लोगों ने सोचा कि कोई और ऊपर नहीं आएगा, और मेरे दो भाई नीचे जाके खड़े हो गए वहां पे बाउंसर की तरह, जो आपके भाई जाके खड़े थे। और मैं आपको बता दूं, शायद आप भूल गई हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको मैंने बहुत प्रेशराइज किया है, मैंने बहुत ट्रॉमाटाइज किया है, मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए शायद आप भूल गई थी, और आपको आपकी बहन भाई लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों साइड आपके भाई नहीं खड़े थे, एक साइड आपकी बहन खड़ी थी, एक साइड आपके भाई खड़े थे। उसका वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में आपकी बहन के जो शब्द निकल के आ रहे हैं ना, उससे लोगों को साफ समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की जो प्लानिंग थी उसका जो नकाब था वो उस वीडियो के ही, बहुत जल्द मैं लेके आने वाला, वो उस वीडियो के थ्रू ही हट जाएगा। तो मैं इन लोगों से ही, जो आज मुझे गाली दे रहे हैं, इन लोगों से ही मैं पूछता हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी फॉलोअर मुझे गाली नहीं दे रहा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इन लोगों से ही मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे इनके भाई और इनकी बहन को वो पूरा रास्ता रोक के खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको ये इंश्योर करना है, आप ये चाहते थे कि उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा लोग चढ़े नहीं, तो आप लोगों को मुँह से भी कह सकते थे। या अगर एक साइड इनका वो खड़ा था भाई कि मेरी तरफ से अगर कोई लड़का या लड़के वालों की तरफ से कोई ऊपर जाता है तो उसको हम मना करेंगे, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि दूसरी तरफ आपको लड़की वालों के परिवार से किसी को खड़ा रखना चाहिए था कि लड़के वाले कोई अगर ऊपर जाएंगे तो हम रोकेंगे, लड़की वाला अगर कोई ऊपर जाएगा तो आप रोकिएगा? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका प्लानिंग तो सेट थी।
उसके बाद जयमाला जैसा निक्की ने बताया वो आप बता सकते हो। जयमाल का प्लेट में लेके वहां पे खड़ी थी और मतलब जो लड़की है उसकी साइड से जो लड़कियां थी वो उनको स्टेज पे जाना था एक हुआ तो वो कंटिन्यू बोल रहे थे वीडियो आएगा मैडम डोंट वरी पूरा वीडियो आएगा बहुत जल्दी देखा है तो मम्मियों में सबने देखा वीडियो। तो वो लड़की को वो बोल रही थी कि हटो हटो जो इनका भाई है छोटा विवेक उसको हटो हटो तो वो नहीं सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि दीदी आप बोलिए कि आपकी बात तो सुनेंगे। तब तक अभी कहीं निक्की थी नहीं क्योंकि निक्की कोई गेम सब समझ में आया था इसलिए निक्की ने वॉलंटरली वो हटा दिया था। कुछ किया जा रहा है मुझे थोड़ा उनके एक्शन से लग रहा था कि मेरे साथ थोड़ी सी की जा रही है कि मैं चीजों में इन्वॉल्व ना हूं तो मैं पहले ही अपने आप को थोड़ा साइड कर रही थी। तो उन्होंने ये बात बोली ना कि दीदी आपके तो वो है बोलिए आप बोलिए तो अब मैं उनको नहीं बता सकती थी ना कि क्या चल रहा है अरे तो वो सुन नहीं रहा था वो मुझसे बहुत छोटा है तो बोला कि नहीं रिश्ते में सुन नहीं रहा था मैं नहीं सुना। फिर उसने एकदम से मेरा हाथ झटका और नीचे कर दिया आज आप उस पे कह रही थी लेके ऊपर स्टेज पे पकड़ा। आपको शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा एक औरत होके एक औरत के खिलाफ आपने अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरे भाई ने बोला कि दीदी नहीं आपके भाई ने कभी दीदी आपका भाई ऑन कैमरा आके कह दे कि अगर उस दिन उसने मुझे जीजा कभी जिंदगी में कहा है और इसको कभी दीदी कहा है आपका भाई अगर ऑन कैमरा आके कह देगा ना फिर से आपका जूता और मेरा सर। उसके बाद आपने जो निक्की ने बताया वो हुआ फिर उसके बाद भी वहां पे मैंने कुछ भी जो वो जो मेरे साथ जो वहां पे बदतमीजी हुई मैंने कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे लोगों से यही पूछना चाहूंगा जो जिनको निक्की बहुत बुरी लग रही है मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ कि मैंने औरतों के बहुत एक आदमी होके मैंने औरतों के बारे में कैसे कह दिया मैंने मर्दानगी और वो सारी चीजें कैसे कह दी। यहाँ पे इस औरत के भरे समाज में 400-500 लोगों की आज आप बात कर रहे हैं भरे समाज में इस औरत के साथ आपके भाई ने आपका भाई क्या है आपका भाई औरत है कि आदमी है चाहे जो भी हो लेकिन उस समय जो मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई वो एक औरत है तो आप उस चीज को सपोर्ट करती हैं। बहुत गंदे शब्दों में मुझे शायद कहना पड़ रहा है आपकी जगह अगर मैं होता और मेरे भाई ने एक लड़की के साथ ऐसा काम किया होता ना मैं सबसे पहले जाके दो थप्पड़ अपने भाई को लगाता और मैं कहता कि जो भी करना था वो मैं करता उस औरत के साथ तुमने कैसे हिम्मत कर दी ये सब चीज करने के लिए। आप तो औरतों की एक मूर्त बन के खड़ी हैं औरतों के सपोर्ट के लिए तब वो औरत की सपोर्टर कहां गई थी क्योंकि ये सब किया धरा आपका ही था। और फिर उसके मैं आपके भाई से को चली गई और जाके जहाँ मेरे पापा ये और मेरी ननद हम तीन जने वहाँ खड़े थे तो मैं गई लेकिन यहाँ पे सबकी आदत है मम्मी की भी सबकी सब लोग फेस देखते रहते हैं और मेरी ननद ने दो तीन बार मुझसे पूछ दिया कि भाभी क्या हुआ क्यों उदास लग रहे हो क्यों उदास लग रहे हो तो मेरी आंख से आंसू निकल गया। ठीक है तो ये गए सिर्फ नॉर्मली बोलने के लिए कि विवेक इधर आना कुछ हुआ था विवेक इधर आना कुछ हुआ था तो इनके हाथ को झटक दिया। मैं जब निक्की को देखा ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही कही है अपने वीडियो में इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि आपने कुछ तो एक लाइन ये शायद सही कही है कि मैं जब ये सब चीज़ चल रही थी मैं बहुत दूर खड़ा था। दूर मैं इसलिए खड़ा था जबकि आपने जनरली देखा होगा कि मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में जाता हूँ मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत हंसता खेलता हूँ कूदता हूँ हर जगह लेकिन उस दिन मैं बहुत दूर खड़ा था क्यों क्योंकि यार ऐसे समाज में जहाँ मुझे लड़की वाले जो कि मेरे शायद थोड़े दूर के रिश्तेदार थे लेकिन मेरे भाई का ससुराल वो मेरे लिए इतना बड़ा था लेकिन मेरे वहाँ भाई के ससुराल से ना मुझे कोई नमस्ते करने आया जो मुझसे छोटे थे मुझसे बड़ा जो था उससे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो मुझे नमस्ते करेगा एंड ऑल ना मुझे किसी ने प्यार से कुछ वो बुलाया। इनके भाई की जो बारात निकल रही थी उसमें डांस की वीडियोज डेफिनेटली आप लोगों ने देखेंगे उसमें मैं और निक्की कहाँ थे इनके भाई की शादी थी ना इन्होंने कितनी कोशिश की मेरे में तो लाख कमी थी मैं तो हूँ ही एक नीच इंसान आप तो बहुत महान थी आप तो आके कहती कि निक्की चलो इन्वॉल्व हो सब जो हुआ उसको भूल जाओ मेरे भाई की शादी में आओ खुश रहो इन्जॉय करो वो आपसे क्योंकि खुशी आपने आज तक बांटने की कभी कोशिश ही नहीं की है। और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ब्लेम करता हूँ कि आज जो आपके ससुराल और मायके का आप मुझे ब्लेम कर रही हैं कि मेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ मैं इस धरती पे किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है वो है आप खुद। आपने जो पॉलिटिक्स बाजी कर करके इधर से उधर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की ना आज भगवान ने उसी चीज़ का फल आपको दिया है कि शायद ना आपके मायके और ससुराल में बन नहीं पाई और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कभी बनेगी। उसके बाद जब मैं ये सब देखा निक्की ने जैसा बताया निक्की मेरे पास आती है किसकी वाइफ कौन ऐसा आदमी होगा जिसकी वाइफ को कोई रोता हुआ देखेगा तो वो नहीं पूछेगा अपनी वाइफ से कि निक्की क्या हुआ बताओ क्या हुआ बताओ क्या हुआ बताओ। और अगर लोग ये लोगों को ये लगता है कि निक्की ने मेरे पास आके वो गलती की यार किसी औरत का अगर भरे समाज में कोई लड़का या कोई आदमी बदतमीजी करे भाई और बहन का तो रिश्ता उसने जो पैरों तले रोंधा क्योंकि उसको तो नहीं दिखा कि जो सामने है वो रिश्ते में कहीं ना कहीं मेरी बहन लगती है उसने जिस तरीके की अगर उसके अंदर ये जहन होता
तो वो जरूर निकी के लिए इतनी रिस्पेक्ट जरूर रखता कि यार इस लेवल पे जाके मैं निकी दीदी के साथ बदतमीजी ना करूं, तो वो किससे जाके कहेगी। आज आप सभी औरतें हैं, मैं सभी औरतों से ही पूछना चाहूंगा कि समाज में बाहर आप निकल रहे हैं, आपके साथ अगर कोई आदमी कोई लड़का गलत हरकत आके करता है, आप सबसे पहले किसको आके बताएंगी, जब आपको पता है कि आपका हस्बैंड आपके आसपास ही है। निक्की ने मुझे बताया, मैं इनके भाई के पास गया, मैं गुस्से में जरूर गया, मेरी वाइफ की कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा तो यार मैं उसे प्यार से जाके थोड़ी पूछूंगा, लेकिन फिर भी मैं गया, मैंने उसको बिना हाथ लगाए, आपका भाई ऑन कैमरा आके कह दे अगर उसको जाते ही मैंने हाथ लगा दिया, और जिस तरीके का झूठ आज आप इस स्टोरी में बनाने की कोशिश कर रही थी, आपका भाई ऑन कैमरा आया और मुझसे बात करे और वो कहे कि मैंने उसको जाते ही हाथ लगाने की कोशिश की, मैं गया, मैंने आपके भाई से कहा कि इधर आओ एक मिनट, उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, एंड बदतमीजी किस लेवल की थी कि मैं इनका भाई इधर खड़ा है, मैं इधर पीछे से आके कह रहा हूं, जनरली अगर आपको कोई बुलाता है और खास तौर पे अगर आपसे कोई बड़ा आपको बुलाता है तो क्या आप उसकी तरफ पीछे पलट के नहीं देखेंगे कि कौन बुला रहा है, छोटा हो बड़ा हो अगर कोई भी पीछे से बुला रहा है तो सब पलट के देखते हैं। इनके भाई साहब ऐसे तान के खड़े थे मेरे सामने और मैं इधर से बुला रहा हूं कि एक मिनट मेरी बात सुनो, बिना हाथ लगाए मैंने इनके भाई को कहा, एक बार नहीं कहा, दूसरी बार मैंने कहा कि एक मिनट इधर सुनो, उसका सिर्फ ये जवाब था, ये कह रही है अपने वीडियो में कि उसने कहा कि आपको जो कहना है यहाँ कहो, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूँ, आपने ये बिल्कुल नहीं कहा, आपके भाई ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने दूसरी बार कहा, आपके भाई का सेम जवाब था मैं नहीं आऊँगा, तीसरी बार फिर मुझे गुस्सा आया, गुस्सा क्यों आया, क्योंकि जिस बॉडी लैंग्वेज में आपका भाई खड़ा था यार, मैं उससे उम्र में भी बड़ा हूँ और मैं उससे रिश्ते में भी बड़ा था, रिश्ते में बड़ा हूँ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे साथ मेरा अब उसके साथ कोई रिश्ता रहा नहीं, रिश्ते में भी मैं उससे बड़ा था और वो इस तरीके से खड़ा था, तो वो क्या फील कर रहा था उस टाइम पे ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ में आ रहा था। तब मैंने तीसरी या चौथी बार में शायद मैंने उसको हाथ पकड़ के, क्योंकि जब आदमी मेरी तरफ देख नहीं रहा है तो मैं उसको पीछे ऐसे करने के लिए तो कहूंगा कि यार तुम मेरी तरफ देखो तो सही, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस पेन के साथ तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उस दिन अपने आप को कैसा कंट्रोल किया, वरना एक आदमी ही जान सकता है कि अगर उसकी माँ की उसकी माँ पे उसकी बहन पे उसकी बेटी पे उसकी बीवी पे अगर कोई दूसरा आदमी किसी गलत तरीके से हाथ लगा दे या किसी गलत तरीके से उसको उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो एक आदमी किस हद तक जा सकता है। और मैंने उस दिन कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, मेरे कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ कारण था उस लड़की का परिवार, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि उस लड़की की शादी खराब हो आपकी घटिया सोच की वजह से, आपके घटिया पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन आपने सबको उस पर मजबूर किया करने के लिए। तीसरी या चौथी बार में जब मैंने आपके भाई को बोला कि विवेक एक मिनट मेरी तरफ देखो, मैंने ऐसे उनको हाथ लगा के बोला कि आप मेरी तरफ देखिए, आपके भाई ने मेरा हाथ इतनी बुरी तरह झटका और उनका हाथ ऑलमोस्ट मेरे फेस पर लगने ही वाला था, लगा नहीं था, मैं किसी को झूठा ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसे किया तो ऑलमोस्ट उसके भाई का हाथ जो था वो मेरे फेस पर लगने ही वाला था। इसमें आपने रिश्तेदार शब्द का इस्तेमाल किया, मैं अपने भाई अंकित का जिक्र करूंगा, क्योंकि जो काम उस छोटे बच्चे ने दिखाया, मेरा भाई अंकित बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन जो हिम्मत और जो उसने दिखाई, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि इसने छोटा होके इसने मेरे भैया के ऊपर हाथ उठाने की कैसे कोशिश की। फिर अंकित ने उसका हाथ झटका और उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो। अभी ये चीज चली रही थी जब तक वो उधर से और चौड़े में होके आता है, आप मुझे बताइए रिश्ते में भी मैं उससे बड़ा था, उम्र में भी मैं उससे बड़ा हूं, क्या उसको इस तरीके का बिहेवियर आचरण मेरे लिए करना चाहिए? और क्या ये सिर्फ बात इतनी ही तक सीमित थी कि स्टेज पे किसी को चढ़ने नहीं जाने दिया जाना चाहिए? उस चीज के लिए इस हद तक आदमी गिर सकता है, ये इस बात का अंदाजा आप लोग भी लगा सकते हैं। बहुत समाज, बहुत अच्छे समाज से, बहुत अच्छी फैमिली से आप लोग आते हैं, इस पर अब कौन क्या झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, आई थिंक अभी तक आपको पिक्चर या स्टोरी जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद इनका एक और भाई आता है, इनकी बीच वाली मौसी का चाची का बेटा, एंड इनका भाई आके जो कि नॉर्मल हालत में नहीं था, मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मैं इनकी मौसी की आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आज भी उनको दिल से बहुत मानता हूं, तो मैं यहां पे बहुत कुछ कहना चाहता हूं उसके बारे में भी, क्योंकि उसने उस दिन मेरे को माँ बहन की गाली दी थी। ना सिर्फ मेरे को माँ बहन की गाली दी थी, उसने मेरे साले को भी माँ बहन की गाली दी थी, उसने मेरे मामा के बेटे अंकित को भी माँ बहन की गाली दी थी। मैं इतना बुरा आदमी हूं फिर भी मैं बिना हाथ उठाए अगर कोई मुझे कह दे, आदमी कोई आके कह दे कि किसी की माँ बहन को कोई गाली दे, और मेरे चक्कर में मेरे साले ने माँ बहन की गाली सुनी, मेरे चक्कर में मेरे भाई ने माँ बहन की गाली सुनी, और फिर भी हम वहां से
बिना किसी को हाथ पैर लगाए हम बाहर निकल गए, क्योंकि मुझे भी लगा यार मेरी वजह से, आपका तो पॉलिटिक्स में 8 साल से देख रहा हूँ तो आपका तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि हमारे आपसी रंजिश की वजह से जो नफरत है आपके अंदर परिवार वालों को लेके, ससुराल वालों को लेके, मेरे को लेके, इसको लेके, वो मैं कभी नहीं चाहता था कि उसका खामियाजा किसी तीसरे को भुगतना पड़े। बेटी का दर्द ना, क्योंकि आप तो बेटी हैं लेकिन आपकी खुद की कोई बेटी नहीं है, इसलिए बेटी का दर्द आप कभी भूल नहीं पाएंगी। और जो आप दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पर आके ना, आप और आपके पतिदेव कि आप बेटी की औरतों की बहुत सम्मान करते हैं, आपके पतिदेव को मैं उस दिन ले जाना चाहूँगा जब आपके पतिदेव ने, और आपने, आप वहीं बैठे हुए थे, आपके पतिदेव ने, मुझे माफ़ कीजिएगा, सारी औरत कम्युनिटी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और मेरी बेटी से रिलेटेड ये बात है इसलिए मेरा कहना बहुत ज़रूरी है कि मेरी बेटी को आपके पति ने कहा था दी पैदा की है, वो दिन आप भूल गई? मेरी 1-2 महीने की बेटी थी, और वो मेरी ही बेटी नहीं, वो उसकी भी बेटी थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया था। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी बेटी को जिसने अभी इस धरती पर जन्म लिया है, उसको इस शब्द का कोई प्रयोग कर सकता है? मैं वो बात मर्द, लोग पूछते हैं ना, लोग पूछते हैं कि मैं अपने भाई से क्यों नहीं बात करता हूं, मेरे को मेरे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस भाई ने मेरी बेटी को, मैं क्या कहूं, किस लायक छोड़ा, मैं कैसे उस भाई से नजरें मिला के मैं बात करूं? कोई मुझे इस चीज का जवाब दे दे। मेरे लिए आज की डेट में मेरी माँ और मेरी बेटी से बढ़कर और कोई नहीं है, और उस बेटी को पैदा होते ही इतना गंदा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया, मैं उस भाई के साथ नजरें मिला के आज बात कर सकता हूँ? आप सब औरतें हैं, लेकिन एक बेटी के बाप होने के नाते जो उस दिन मैंने झेला था, मुझे बता दीजिए कि मैं गलत हूं। मुझे बार बार गलत बोला जाता था कि अपने भाई से बात नहीं करता, छोटा है, इज्जत नहीं करता, भाभी मैं किस मुंह से ही सामने वाले की इज्जत करने जाऊं? उसने मुझे इज्जत करने लायक छोड़ा? वहीं उसी दिन निक्की के घर वाले भी सामने बैठे हुए थे, निक्की को डी बोला गया। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है ये शब्द कहने में, और निक्की के माँ बाप दोनों वहीं बैठे हुए थे। तब आपकी औरतों की सपोर्ट वाली बात कहाँ गई थी? आपके पापा भी आए हैं बहुत बार हमारे घर में, जो आपके किए गए इश्यूज थे, आपने जो झगड़े लड़ाई कराए गए, मैंने भी आपके भाई को आपके पापा को जबरदस्ती फोन कर करके बुलाया है। आप अपने पापा को, मैं कहता हूँ आपसे, ओपन चैलेंज करता हूँ, आप अपने पापा को बुलाइए और आप अपने पापा को ऑन कैमरा ला के कह दीजिए कि आपके पापा ने जब एक बार हमारे घर में आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, बहुत गंदा झगड़ा हुआ था, क्या आपके पापा ने मेरे को मेरे ही रूम में लाके, उस समय कोई भी नहीं था, मेरी मम्मी थी, आपके पापा थे और मैं था, आपके पापा ने मुझे ये कहा था कि बेटा मैं आपके घर की सारी दिक्कत में समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब ये घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ो। मैं उस आदमी की उस दिन के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं मरते दम तक उनकी ये बात याद रखूँगा कि उन्होंने बंद कमरे में, इस घर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, लेकिन फिर भी उस आदमी ने मुझे कहा कि बेटा ये घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ो, आपकी खुद की शादी हो चुकी है, आप अपने बीवी बच्चे पे अब ध्यान दो। ये एक लड़की के पिता से उस लड़की के देवर के लिए ये बात निकलना बहुत बड़ी बात है, और उस दिन मैंने आपके पापा की इज्जत को, मैं बता नहीं सकता, शायद आज लोगों को ये फरेब लगेगा या धोखा लगेगा, लेकिन उस दिन आपके पापा की इज्जत जो मेरी नजरों में बढ़ी थी, मुझे यही लगा था कि यार कैसे इन्होंने अपने दामाद से ऊपर रखे, और मतलब अपने बेटी, उन्होंने अगर ये कहा कि आप परिवार की जिम्मेदारी छोड़िए, तो कहीं ना कहीं उस परिवार की जिम्मेदारियों में आपके और आप मेरे भाई और मेरी भाभी की जिम्मेदारियां भी थी, जो कि उनके दामाद और उनकी बेटी हैं, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कहा कि आप छोड़िए ये सब जिम्मेदारियां और आप अपने परिवार पे फोकस कीजिए। अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपके पापा को कह रहा हूं हाथ जोड़ के, अंकल जी ये बात आप ऑन कैमरा के कह दीजिए कि आपने ये नहीं कहा। मैं आपको कहता हूं आपके पापा जी ऑन कैमरा के कह दें कि जो ये बात मैंने बताई है ये झूठ बात है, ये गलत बात है, आपका जूता मेरा सर। ये सारी चीज हो जाने के बाद शादी में ये सब ड्रामा हुआ। अब शायद जो लोग अभी तक मुझे गाली दे रहे थे उनको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि सुमित भांग खा के नहीं घूमता यार, सुमित दारू शराब नहीं पीता है, कि सुमित ऐसे ही किसी के यहाँ फंक्शन खराब करने, मैं दूसरों की बेटी बहनों के या घरों के फंक्शन में जाता हूँ ना,
तो मैं किस लेवल पे जाके लोगों के फंक्शन बनाने के लिए चीजें की हैं, मैं उस तरीके का आदमी हूँ। भगवान ने मुझे बेटी आज दी है, लेकिन एक बेटी का दर्द मैं बहुत पहले से समझता हूँ, क्योंकि एक वो बेटी का दर्द है ना, मैंने अपनी माँ के दर्द में बहुत पहले जाना था, समझा था। उसके बाद हम वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करते, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यार बात और बिगड़े उससे बेहतर है हम चले। लड़की के हर एक भाई, आप हर एक भाई को अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप लाइए ऑन कैमरा, आप पूछवाइए कि क्या उन्होंने उस दिन मुझे वहां से जाने के लिए रोका नहीं था। हर एक भाई उस लड़की का आके बेचारे वो मेरे पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि यार मेरे घर की बहू की पॉलिटिक्स की वजह से आज इस घर की बेटी की शादी में इतना सब खराब हो गया। मेरे को इतनी शर्मिंदगी उस चीज़ पे हो रही थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी लड़की के भाई आके मेरे पैर पकड़ रहे हैं, नहीं जीजू आप नहीं जाएंगे, आप इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम आपके साथ। आपकी नज़रों में आज आपने मेरे घर का होके मुझे समाज में नंगा कर दिया, लेकिन मेरी इज्जत उस दिन उस घर की उस लड़की के भाइयों ने जितनी ढकी थी ना, आज मेरे लिए आपसे ज़्यादा वो अपने हैं। अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ, आप लड़की के सारे भाइयों को ऑन कैमरा लेके आइए और बताइए कि उन्होंने मेरे साथ ये किया था या नहीं किया था। इसके बाद हम वहां से निकल जाते हैं चुपचाप। आप हर एक इंसान के पास, लड़की वालों की फैमिली में मेरे पास 10 ऐसे प्रूफ हैं, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द वो प्रूफ भी अब आएंगे। आप जा जाके मेरी बुराइयां करती हैं, आप जा जाके निक्की के घर वालों की बुराइयां करती हैं। वहां भी आपने सोचा कि मौका लगा है, और जो आप जिस तरीके से आज आप स्टोरी यहाँ यूट्यूब पे लोगों को आके बता रही है ना कि बहुत गुस्सा करते थे, मुझे कितना टॉर्चर किया है एंड ऑल, यही ड्रामा उस दिन आपने उस शादी में भी किया। आपने एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के कि देखा आप लोगों ने कैसे गुस्सा कर रहे थे, घर में भी ऐसे ही करते हैं। आज जो आपने झूठ बोला कि अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा करते हैं, आपकी ज़िंदगी में, या आपने अगर अपने माँ बाप की कभी उतनी इज्जत की हो ना जितने मैं अपने माँ बाप की कर रहा हूँ, ये आप अपनी आत्मा से पूछिएगा। हम अपने घर में चुपचाप आ जाते हैं, आप तो नहीं आती हैं, लेकिन मेरे साथ क्योंकि मेरे माँ बाप भी चले आते हैं तो आपको उस चीज़ का बहुत वो रहता है। आज आप पूछ रही थी कि निक्की क्यों 2 महीने अपने घर पे थी, आप ऑन कैमरा आके बताइए कि आप क्यों अपने भाई की शादी के बाद 2-4 महीने वहाँ रुकी हुई थी। इसलिए नहीं रुकी हुई थी क्योंकि आपको इस चीज़ का गुस्सा था कि मेरे भाई की शादी में ड्रामा हुआ। आप इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि आपको पता था मेरे मायके में वैसा कोई कंटेंट तो मिलता नहीं है वीडियो का। मेरी भाभी की शादी, मेरे भाई की शादी होके आई है, एक मेरे पास नया कंटेंट है, चलो तब तक यूट्यूब की दुकान यहाँ से चलाई जाए। इसलिए आप अपने घर पर 3-4 महीने रुकी हुई थी। मेरे घर पर रामायण जैसा 24 घंटे का पाठ रखा गया, आपको बुलाया गया। आप इतने संस्कार और इतनी मर्यादा और इतनी इज्जत की बात करती हैं। ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्ड है वो वीडियो, लोग निक्की के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो है। आपको बुलाया गया, और तो और मेरे भाई साहब आज बहुत पूजा पाठ भक्ति की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, पंडित जी जो पंडित हमारे यहाँ पूजा करने आए थे, उन्होंने तक कहा कि बेटा आपके घर में रामायण का पाठ हो रहा है, बहुत किस्मत की बात है, बहुत किस्मत से, बहुत पुण्य प्रतापों से किसी के घर रामायण जी का पाठ होता है। आप अपनी वाइफ को बुलाइए। आप इतनी संस्कारों की बात कर रहे थे, आप इतने बड़प्पन की बात, वहां तो सुमित और निक्की का कोई मैटर नहीं था, आप क्यों नहीं आए उस चीज में? इस आपके अंदर हिम्मत है तो इस चीज का जवाब आप आके दीजिए, और मेरे अंदर जो बातें हैं उसको आप झुठलाइए। उसके बाद से आपने कभी भी, अच्छा एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगा कि मेरे पापा को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ना मम्मी को पता था कि निक्की के साथ, क्योंकि शादी है, इतने सारे लोग होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, किसी को भी नहीं पता था कि निक्की के साथ हुआ क्यों। सबको सडनली बस ये दिखने लगा कि सुमित का ऐसे झगड़ा क्यों हो रहा है। मेरे माँ बाप या जो मेरे को जानने वाले लोग थे वो इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहे कि सुमित का ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है वहाँ, क्योंकि वो बात करने का माहौल नहीं था, नहीं हुआ, पापा कुछ नहीं समझ पाए। हम लोग नोएडा वापस आ जाते हैं, मेरे पापा आपके पिताजी को फ़ोन करते हैं, और आपके पिताजी को फ़ोन करने के बाद वो कहते हैं, जब उनको सारी बात पता चलती है, उनको पता चलता है कि आपके छोटे भाई साहब ने मेरी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी की, मेरे पापा के मुंह से जो पहला शब्द निकला था ना, वो एक एक ससुर के मुँह से शायद कम निकलता, क्योंकि उन्होंने अपने बहुओं को कभी एक बेटी से कम नहीं समझा है। मेरे पिताजी के मुंह से शब्द निकलता है कि बेटा तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया, इतनी बदतमीजी मेरे घर की बहू के साथ कोई कर दे, मैं उसके कान पे वहीं 2 थप्पड़ लगाता। फिर भी मेरे पापा ने आपके पापा को फोन किया, क्योंकि शायद घर के बड़े होने के नाते उन्होंने अपनी वही जिम्मेदारी समझी, उन्होंने फोन किया,
फोन करने के बाद आपके पापा जी ने 2-4 बार के बाद फोन उठाया। मेरे पापा ने यही बोला कि आपके बेटे ने मेरी बहू के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की। आपके पापा ने बहुत साधारण तरीके से कहा, उस दिन से मैं माफी चाहूंगा सबसे कि मैं ये चीज कह रहा हूं, लेकिन उस दिन से मेरी नजरों में आपके पापा की इज्जत चली गई। आपके पापा ने कहा, इससे पहले भी उन्होंने कुछ कहा था, मैं उस बात पे भी आऊंगा, लेकिन जब मेरे पापा ने आपके पापा को फोन करके कहा तो आपके पापा ने उधर से जवाब दिया कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है बहुत अनजान मन के, मुझे नहीं पता कि मेरे छोटे बेटे ने ऐसा किया है, मैं अभी उससे पूछ के आपको फोन करता हूँ। मेरे पापा ने फोन रखा ही इन्हीं शब्दों से कि हाँ आप उससे पूछिए और मेरी उससे बात कराइए। आपके पापा अगर हिम्मत रखते हैं, आप हिम्मत रखती हैं, मैं खैर आपके पापा की हिम्मत को नहीं कहूंगा, मैं उस बेचारे को आपके घटिया पॉलिटिक्स में क्यों घसीटूं, लेकिन आप अगर इतनी सती सावित्री हैं, इतनी सच्ची हैं, आप अपने पापा से बुलवा दीजिए। मैं अपने पापा से जरूर बुलवाऊंगा, आप मुझसे कह के देखिए कि मैं अपने पापा को बुलवा के देखूं कि जो बात अभी मैंने कही वो झूठी है या सही है, और आप अपने पापा से कहलवा दीजिए कि क्या आज तक आपके भाई की शादी का वो दिन था और आज का दिन था, क्या आपके पापा ने उस बात को लेके कभी पलट कर फोन किया? नहीं किया। उसके पीछे कौन दोषी है ये यूट्यूब की जनता बहुत आसानी से आज समझ सकती है। आपने ये कहा आपने आज की वीडियो में कि आपके पापा के साथ मैंने बहुत बदतमीजी की, आपके पापा मुझे वहां भरे समाज में जहां उनका बेटा उस घर का दामाद बनने जा रहा था, मैं ऑलरेडी उस घर का दामाद पिछले 1-1.5-2 साल से था, उस घर से आप कहोगे कि इतना क्लोज रिश्ता थोड़ी था यार, एक घर में पैदा होने से कोई आपका और मेरा कोई रिश्ता रिश्ता कहलाने लायक है? थूकता हूं मैं ऐसे रिश्ते पे, सॉरी टू से, बट आपका और जेन्युइनली आपको लगता है कि मेरा और आपका रिश्ता रिश्ता है, एक घर का रिश्ता है, इसको आप घर का रिश्ता कहते हैं? इसको आपने अगर घर का रिश्ता समझ रहा होता तो आज आपने जितना नंगा मुझे किया है पूरे समाज में लाके, और जो आपकी मंशा रही है उस मंशा पे भी मैं बात करूंगा कि आपने आखिर वो किया क्यों है। आपके पिताजी मुझे कहा, जा निकल यहां से, निकल यहां से। यार इस तरीके से तेरे को कौन बुलाया था? तेरे को किसी ने बुलाया था? तेरे को किसी ने बुलाया था? अंकल जी बिल्कुल आपने मुझे नहीं बुलाया था, मम्मी को भी कहते थे, मुझे भी वो ये बात कहते थे, हम आपके कहने पे नहीं गए थे, शायद आप ये भूल गए थे कि आपके बेटे की जो खुशी थी उस दिन की, उनकी जो शादी हो रही थी वो इसी घर के लोगों की वजह से हो रही थी, वो आपको कोई नहीं जानता था वहाँ पे, जिसकी वजह से या आपके किसी जान पहचान की वजह से शादी हो गई थी, वो इसी घर के लोगों की वजह से आपके बेटे की शादी हुई थी, हम उनके बुलाने पे वहाँ गए थे, हम आपके बुलाने पे बिल्कुल नहीं गए थे। तो आप बिल्कुल, आपका ये कहना सही था, लेकिन हम वहाँ गए थे किसी के बुलाने पे, आपके बुलाने पे नहीं, लेकिन किसी के बुलाने। तो जब आपके पिताजी मुझे इस लहजे में कह सकते हैं, तो मैंने उनको एक ही यही जवाब दिया था वहाँ पे, आपके बड़े पापा के, जिनके अभी बेटे की शादी में आप गई थी, आपके अंदर हिम्मत है तो आप उन बड़े भैया को बुलाइए ऑन कैमरा, मैं ऑन कैमरा ये आपसे कह रहा हूँ, मैं तो सारे आपके ही रिश्तेदारों के नाम ले रहा हूँ कि आप ऑन कैमरा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप ला ला के कहिए। अब मुझे पता है आप इसको कवर करने के लिए, इसको चलाकी करने के लिए अब निक्की के तरफ के लोगों को टारगेट करेंगे कि ऑन कैमरा आप बुलाइए, ये कहिए वो कहिए, तो मैं आपके उस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके की गंदगी में ना मुझे रहना नहीं है। आज मैं आपका लेवल देखना चाहता था कि आप किस लेवल पर आके आप गिरती हैं, आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई मेरी नजरों में, और वो आगे की जिंदगी काटने के लिए मेरे काफी है। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद ना पहले थी, अब तो बिल्कुल ही शायद नहीं रही। आप उनसे पूछिए कि मैंने आप सिर्फ यही जवाब दिया था जब आपके पिताजी मुझे जाने को कहने लगे, मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि आज आप मुझे इतनी आंख दिखा रहे हैं, इस शांत वाले टोन में नहीं कहा था, सामने वाला मुझे गुस्से में कह रहा था, मैंने भी गुस्से में कहा कि आज आप मुझे ये आंखें दिखा रहे हैं, मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, आज आपके बेटे की शादी हो गई इसलिए, जिस दिन आप अपने बेटे की शादी की बात करवाने मेरे घर में आते थे उस दिन आपने मुझे ये आंख क्यों नहीं दिखाई दी थी? यहाँ पे YouTube के जो मुझे गालियां दे रहे हैं लोग, वही मुझे बता दें कि इसमें मैंने क्या गलत बोला। आदमी आज की डेट में कोई किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देता है तो उसका एहसान जिंदगी भर माना जाता है, ये हमने अपने माँ बाप से सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया है एहसान फरामोशी, या जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो। आज आपने वही काम किया है, आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में आज आपने छेद कर दिया। तो ये आई थिंक यूट्यूब की सारी दुनिया को बहुत अच्छे से आज चीज समझ में आ चुकी होगी, जो ये हर बार 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 मुझे धमकी दी जाती थी कि इनके भाई की शादी में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या ड्रामा किया, क्या नहीं किया। अब आप लोग खुद इस चीज से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मैंने कितना ड्रामा किया, या मैं किसी के किए हुए रचे हुए ड्रामे में फंस गया लास्ट में जाके। और रही बात इसकी कि इसका दोषी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर मैं कहता हूँ, जितना ये मेरे घर की होके और मेरे भाई साहब आके मुझे इनके भाई की शादी का दोषी बना चुके,
उतना शायद आज तक लड़की वालों के घर वालों ने कभी नहीं कहा और आगे भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आगे भी वो मुझे इस चीज़ के लिए आके, आपके रिश्तेदार हैं मेरे, शायद दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन आज भी वो मुझे इस गलती के लिए कभी उस चीज़ को चैलेंज नहीं करेंगे, कभी मुझे उस चीज़ का दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी घटिया पॉलिटिक्स ना जो हमारे आसपास के जुड़े हुए लोग हैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका जवाब का फोन है। देखिए आप सबके सामने ये जो जहाँ परेशान है जैसा है सब फोन कर रहा है, मेरी माँ ने ये कमाया है, हमने वो कमाया है, उसी के लाज लिहाज से ना आज हम इतने दिन तक चुप थे और आज हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन खैर, तो अब आप सब बता सकते हैं बहुत अच्छे से, वो कर सकते हैं कि इसमें मेरी कहाँ कितनी गलती रही है। अगर निक्की का भरे समाज में आपके साथ अगर जो हुआ है, ठीक है वो आपकी भाभी है, सब कुछ आपका है, आपको हक है, हर चीज आपका है, मैं आपके घर की औरत हूँ, तो जो समाज में बेइज्जत किया अकेले में धीरे से बोल देते कि तुम्हारा हर चीज में इन्वॉल्व होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रहना है आगे, मैं पीछे हट जाती। आप बोल के तो देखते, बोल के तो देखते जो आपने वो चीज की। और आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा इतना दिन से कभी नहीं बोला ना, मैं यहाँ उतरी हूँ ना तब से कि निक्की का ये ऐसा क्यों है, निक्की का ये छोटी छोटी चीज को लेके ना कलेश किया गया, मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काया गया, मेरे पति के खिलाफ, मेरी माँ का कितना जीना दूभर होता है यार, एक माँ कभी अपने बच्चों में फर्क कर सकती है? लेकिन जब ऐसा टाइम आया, लेकिन उनको आप मुझे कह रही थी कि आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं अपनी माँ को मजबूर कर देता हूँ कि वो आपकी वीडियोस में जाके खुश ना रहे। शर्म आनी चाहिए यार, इतना गंदा इल्जाम किसी के ऊपर आपने लगा, आपको शर्म आनी चाहिए। जबकि मैं सच जो है ना वो मैं लोगों को बताऊंगा, आपने मेरी माँ को मजबूर किया कि मेरी माँ मेरे साथ पहले की तरह खुल के ना रह पाए। हाँ, आपने हमारे रिश्तेदारों को मजबूर किया कि कोई सुमित के साथ ना खड़ा रह पाए, क्योंकि आप हर चीज में आप ये तुलना करते थे कि सुमित निक्की के साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ वैसा क्यों, सुमित निक्की के ससुराल में ऐसा क्यों, और ये सिर्फ सोचना। मैं अपने भाई को आज भी मेरे भाई ने जो कहा उसकी मजबूरी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, यूट्यूब के लोग नहीं समझते होंगे, मैं अपने भाई की मजबूरी बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और मेरे दिल में आज भी मेरे भाई को लेके कोई नफरत नहीं है। लेकिन आपने उसको भी मजबूर कर दिया, ये चीज़ अपने दिमाग में बार 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 उसके दिमाग में आपने डाली कि देखो आपके माँ बाप आपके छोटे भाई के साथ ऐसा करते हैं, आपके साथ नहीं करते हैं, आपके रिश्तेदार ऐसा करते हैं, वैसा नहीं करते, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। मेरा भाई खुद ऐसा था जो खुद बोलता था कि हाँ यार ये चीज़ है ना घर, अरे शॉपिंग की चीज़ें, अरे यार सुमित देख लेगा, मैं कभी नहीं इन सब चीजों में, मैं नहीं पढ़ा, मम्मी मुझे मत पढ़ाया, कभी नहीं रहा मेरे भाई के अंदर। आज मैं इतना हैरान, इतना मतलब परेशान, मैं आज इतना कमजोर, आप लोगों ने मुझे देखा ना, मैं अपनी भाभी जी के कहने पर उन्होंने जो मेरे बारे में चीजें कही ना उसको लेके मैं बिल्कुल परेशान नहीं था, लेकिन क्योंकि आज मेरा भाई आके इस तरीके की चीजें कह रहा था ना, सही में तूने मुझे हरा दिया। मैंने अपने भाई से कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सोशल मीडिया पे आके, ठीक है अपनी बीवी का सपोर्ट मैं भी करता हूँ, आपको भी करना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी बीवी का सपोर्ट, मैं सचिन ने एक वीडियो डाला था सबने देखा होगा, और हमारे साथ हमें पता है इन संसार ने 1:30 बजे वो वीडियो देखा, सचिन भाई को कॉल किया, बोला कि मेरे भाई के लिए मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, सचिन भाई डिलीट कर दो, उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया। उससे पहले खैर सचिन भाई के शायद पापा ने फोन करके बोला, तो इसलिए जिन लोगों ने अगर वो वीडियो देखा तो वो देखा होगा कि दो बार वो वीडियो हाइड हुआ एंड ऑल। आप खुद बताओ आपके घर में सब कहते हैं पहली बहू आई थी ना तो सब कुछ ठीक था, अकेले तो सब कुछ अच्छे से रहता है, जहाँ दो जने पहली बहू के आते ही सब कुछ ठीक इसलिए था क्योंकि पहली कैमरे पे नहीं दिखता था, पहली बहू के आते ही सब कुछ सबने, क्योंकि हम सब कुछ आप जो हो रहा था सब कुछ आपके लिए हो रहा था, इसलिए आपको सब कुछ बहुत अच्छा था। आपके अंदर दिक्कत ही तब से शुरू हुई जब से सुमित की, मैं ये नहीं कहूँगा बीवी आई, जब से सुमित की शादी की बात शुरू हुई ना उसी दिन से आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी आने लगी कि अब तो मेरा हर चीज़ बढ़ जाएगा, और वही आपकी दिमाग की अगर गलत चीज़ उस टाइम आप अपने दिमाग से निकाल देते ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा घर स्वर्ग था और वो आज भी स्वर्ग ही रहता। मैंने ये घर बना ले मेरा, मैंने अपनी जिंदगी अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, मेरे माँ बाप ने बहुत परिश्रम किया है ये घर को स्वर्ग बनाने में, यहाँ तक लाने, सब कुछ आपने आज मिट्टी तले मिला दिया।
आपको भगवान इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। सुबह से मतलब सब इतना वो हो रखे हैं, क्या मिलेगा उससे? अगर आपको इतनी दिक्कत थी, साथ में बैठते, घर में बैठते बात करते ना, क्यों YouTube पे क्यों? व्यूज के लिए, YouTube पे कंट्रोवर्सी के लिए, निक्की से आगे बढ़ने के लिए। निक्की कह के देखते, हाथ जोड़ देती आपके सामने, लेकिन ये घटियापन, ये समाज में ये जो बदनामी करा रहे हो आप, सिर्फ थोड़े से चंद पैसों के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, हमें बुरा करने के लिए, जो आपने रिश्तेदारी हर जगह ये चीज की, अब आप सोशल मीडिया पे आके कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है, यहाँ तो मैं हार गई, सब समझ गए हैं कि मैं कैसी हूँ, निक्की कैसी है, सुमित कैसे हैं, सास ससुर सब समझ गए हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ी लोग देख रहे हैं, यहाँ आके नया ये षड्यंत्र खेलती हूँ। आप बताओ, ताली एक हाथ से बजती है कभी? सारी गलती हमारी है, हम इतने पागल हैं कि हम अकेले सींग मार रहे हैं हर चीज में। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, आपको शायद लग रहा होगा कि आज आपकी बहुत बड़ी जीत हुई, आपने जो जो मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि मुझे उस शब्द में, उस जो आपने आज किया है उसको क्या कहना चाहिए, आपको लग रहा होगा कि आपने, आपकी बहुत बड़ी जीत हुई शायद। मैं आपको कहूँगा, आज शायद मेरी अगर हार हुई है, आज आपकी भी बहुत बड़ी हार हुई है। क्योंकि YouTube के ये लोग तो कोई 2 महीने में भूल जाएगा, कोई 3 महीने में भूल जाएगा, कोई 4 महीने में भूल जाएगा, रिश्तेदार नहीं भूलेंगे। लेकिन जिन रिश्तेदारों ने, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं ना, वो नहीं भूलेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि यूट्यूब पे किसने देखा किसने नहीं देखा, यूट्यूब पे कौन हमें फिजिकली जानता है नहीं, लेकिन जो आज लोगों के सामने मेरे घर की जो पर्सनल रिश्तेदारी थी, जो लोग थे उनके सामने जो मेरे घर की आज बात चली गई, मैं अगर मतलब मेरे को अपने परिवार का और उसका वो नहीं रहता ना, मैं शायद, पता नहीं मुझे चीज़ कहने नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कोई कह सकता है ये लड़की इसने कहा वापस आ गया, बोलो बाद में दे देंगे, नंबर भेज देंगे। मैं मतलब कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग परेशान होकर आज ही मेरे घर पे पहुंच जाएंगे और फिर उन लोगों को ब्लेम कर दिया जाएगा कि आग लगाने आ गए। निक्की ने आज इतनी मतलब क्या निक्की ने कर दिया, जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी सिचुएशन में खड़ी होंगी कि मैं इतना बड़ा स्टेप उठाने चली जाऊंगी। और मैंने अपनी बेटी की का मुंह, अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, सोचो मैं अंदर से इतना टूट गई थी, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा से अपने आप को उनसे अच्छा प्रूफ ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो मैं उनको ही जीतने देती हूँ, आप बड़े हो आप जीतो, लेकिन जो समाज में मेरे पति की, मेरे पापा की, मेरे ससुर की, मेरे सास की, चंद कुछ पैसों के लिए, चंद कुछ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जो यहाँ सरे आम इज्जत उछाल दी गई, उस लिए मैं सोच सोच के अंदर से इतना मैं तड़प के रह गई कि आज सब लोग कहते हैं ना कि मैं और निक्की आपसे बात नहीं करते थे, बात छुपाए रखते थे, आपके सुमित और निक्की अपनी भाभी से बात नहीं करते हैं, अपने उससे बात नहीं, रवीना थोड़ी देर बाहर लेके लो, रो रही है, थोड़ी देर घुमा के लो, आ रहे बेटे भाई। देखिए इतना आदमी मजबूर हो गया है कि हम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, क्योंकि हम अपनी बेटी को ना, हम ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते। और मैं जब रो रही थी ना, वो मुझे गले लगा के खुद ही रो रही है, अपनी दादी कह रही, दादी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ ना, जल्दी बुलाओ ना, मेरी मम्मा देखो ना कितना रो रही है। तो YouTube पे बहुत लोग हमें जब कमेंट करते थे और वो सारी चीज़ें होती थी, तो लोग हमें कहते थे कि छोटे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको देख के नमस्ते नहीं करते हैं, उसको देख के मुंह बनाते हैं नॉल। आज आप देखिए हमारे घर के बड़ों ने हमें कहाँ लाके खड़ा किया। और ये सब चीजें घर में चलती थी, लेकिन कभी हमने सोशल मीडिया पे नहीं आने दिया मम्मी के साथ। सारी चीजें देख के लगता है कि आपके, आप सब कह सकते हैं कि हमारे घर के बड़ों ने जो सो कॉल्ड अपने आपको बड़ा बता रहे हैं, और आज उन्होंने जो इतना बड़प्पन वाला काम भी किया है, उन्होंने इस तरीके का मौका हमें कभी दिया होगा कि हम घर पे और चीजों को सुधारने की कभी कोशिश उनकी तरफ से रही होगी? ये सारी बातें छोड़ के लास्ट में अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, खत्म करो, मैं सब नहीं समझा, मुझे नहीं, मेन मुद्दे की बात मुझे लास्ट में जरूर कहनी है। ये सब आखिर किया क्यों गया, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, मैं पिछले कई वीडियो से मैं कहता आ रहा हूँ, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, गेम कुछ और है। वह आज बहुत क्लियर खुल के, क्योंकि छुपाने का तो कुछ बचा नहीं है, मैं वो समझा देता हूँ आप सबको कि गेम था क्या।
आज जो आके आज ये बताती है, आज वो कह रही है कि मैं 2 साल से 3 साल से सह रही थी सबके सहने आज की, के जमाने में कोई ऐसा है जो सहता है? सबके सहने की लिमिट होती है और वो होती है लोगों के चेहरे से। मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ लोगों के जहन से, आप सह नहीं रही थी, आप अपने दिन, आप इस दिन आने का इंतजार कर रही थी। आपने खुद बताया है कि आपके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, मैंने कभी नहीं बताया है, निक्की ने कभी नहीं बताया, हमने हमेशा कोशिश की है कि ये बात किसी को ना पता चले। हमने अपने रिलेशन मेरे इनफैक्ट ससुराल तक में निक्की के पापा तक को भी आपके पति ने ही बताया था कि शादी करके आई थी, तब मेरे पति ने मुझे नहीं पता चलने दिया था कि मेरे भाई के पास जॉब नहीं है। मेरे को शादी के 2 या 3 महीने बाद जाके ये बात पता चली थी कि ऐसा है, लेकिन फिर भी हम बहुत गिरे हुए हैं। तो आपने तब वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं कही थी, और तब सुमित अच्छे थे या बुरे थे, कोई भी इंसान ये चीज़ आइडिया लगा सकता है कि यार जब जॉब नहीं थी और तब आपको दिक्कत में नहीं रखा गया, तब आपको इतनी दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज़ की कमी किसी ने रखी थी? किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी आपको, आप अच्छा खा रहे थे, पहन रहे थे, आपको कभी किसी चीज़ की, आप इनफैक्ट ये ऑन कैमरा आज मैं बोलना चाहूँगा, आपने मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया था कि मेरा भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रो के, मेरा भाई कभी नहीं रोता है, वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, वो रो के उसने मेरे सामने, मेरी माँ के सामने बोला कि मम्मी ये मुझे अकेले कमरे में इतना टॉर्चर करती है कि आप कमाते नहीं हो, आप ये नहीं करते हो, मम्मी इनको समझा लो वरना मैं जाके आत्महत्या कर लूँगा। ये मैं अपने भाई को ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, और अगर हो सकता है इस बात से वो पलट जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पलट जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा इस छोटी सी बात के लिए कि वो अपने बच्चे की कसम खाए या किसी, क्योंकि इन सब फालतू के कचड़े में घर के बच्चों को क्यों लेके आना, आप तब से देख रहे हैं। जब उनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी ना, तो वो कोई छोटी सी एक जॉब उन्होंने ढूंढी थी जहाँ 5 या 6 हजार उनको सैलरी मिल रहा था, ये बहुत अच्छा निक्की को याद आया, करने जा रहे थे, इस आदमी ने जाने नहीं दिया था कि नहीं मेरे घर की बहू, मैं जिंदा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, और मेरे ससुर वो थे, मेरे घर की बहू कहीं 4-5 हजार की नौकरी करने नहीं जाएगी, यही रहेगी और मैं करके दूंगा। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे लिए एक चीज कुछ आती थी ना, मिंत्रा से, ये इंसान है, एक इंसान ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, और अगर मेरे लिए 3 चीज ऑर्डर की है ना, तो उनके लिए 2 चीज जरूर करी जाती थी कि उनके मन में ये ना हो कि मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे तो मेरे को इस तरीके से। मैं अपने ऑफिस के टूर्स पे जाता था ना, मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी माँ के लिए अगर कुछ लेके आता था ना, तो मैं आपके लिए भी लेके आता था, आपने उस चीज का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ तक कि मेरी रिसेप्शन, मेरा ये बहुत छोटी चीज है, हम आपको जो गिनवा रहे हैं ना, बहुत छोटी चीज है, मुझे लगता है गिनवाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम इस आपको ये बस समझाना चाह रहे हैं कि सोचो किस लेवल तक हम लोगों को बदनाम करने के लिए इतनी घटिया ये जो साजिश रची जा रही है। मेरे रिसेप्शन की ड्रेस, मेरा रिसेप्शन था, लेकिन इनको था कि वो भी मेरे घर की दूसरी बहू है, तो कोई ये ना कहते देखो अपनी बीवी के लिए तो ऐसा गाउन ले लिया, मेरी अपनी भाभी को छोड़ दिया। सेम शॉप में जाके सेम अमाउंट का, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, 2 गाउन इन्होंने लिया था कि मेरी समाज में, इतना समाज में वो था इनके अंदर, कहीं हम चाहते थे ना कि तुम, मैं अगर कोई भारी साड़ी पहनी थी तो ये मुझे खुलवा देते थे, अगर उन्होंने कोई हल्की पहनी होती थी, ये कह के कि निक्की दोनों बहुए हो साथ में जाओगे, कोई भी ये कह देगा कि अच्छा देखो ये छोटी वाली तो इतना उससे रहती, बेचारी बड़ी वाली का हस्बैंड का जॉब नहीं, इसलिए उसको ऐसे रखते हैं, ये इंसान है। निक्की ने जो बात कही ना, एक्चुअली उस बात ने मुझे इतना तोड़ दिया अभी अंदर से, और कि मुझे भी वो दिन याद है कि आप किस मजबूरी, और जो आप वो स्कूल में, आप उस स्कूल में आप जॉब करने, सेक्टर 46 या 47 में वो स्कूल था, वहां आप जॉब करने के लिए तैयार हो गए थे, और वहां शायद 5-7 हजार रुपए आपको सैलरी दी गई थी, नहीं जाने दिया था, मतलब क्या इंसानियत आपने गिरा दी, इन्होंने साफ बोला नहीं, आपको वो दिन भी याद नहीं रहा, आज का वीडियो बना के आपको क्या मिला, आपको वो दिन भी याद नहीं आया। और दूसरी चीज मैं आपको और बताती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी का खा जाना ये किया है, वो किया है, किया है, मैं नहीं, मैं बिल्कुल किसी का घोर के नहीं पीती हूँ कि नहीं किया है, किया है, लेकिन मुझे वो भी दिन याद है जब मैं प्लेट ले जाके रख देती थी ना, तो लोगों को दिखाया जाता था कि ये देखो छोटी होके लाके प्लेट रख के चली गई है, मुझे नहीं पता था कि पोछा लग जाता है ना, तो जब बड़े लोग पोछा लगाते हैं तो जाते हैं तो उसको ऐसे करके पैर छूते हैं, नहीं पता था, तो उसका तक मजाक, कैसी कैसी चीजों का समाज में मुझे नीचा दिखाने के लिए मजाक बनाया जाता। उस इंसान से आपका दिल नहीं फटेगा, आप उस इंसान से नहीं दूर होगे, आप खुद बताओ जो आपको समाज में इस तरीके से सोचता था कि इसको नीचा दिखा दे, और दिखाया भी, 1-1.5 साल मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया था जब मैं शादी करके आई थी, मेरे हस्बैंड, 10-10 दिन की बेटी अपने घर से लेके भाग गए यार,
ये वाली बात मैं आपकी वजह से, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी था, मेरा सी सेक्शन, और हमारे घर में इतना कलह हुआ था, मैं अपनी बेटी ये रात के आधी रात को 15 दिन की बेटी हम गोद में लेके रोड पे खड़े थे, कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा था कि हम किसके घर जाएं इस बच्चे को लेके, ऑपरेशन का शरीर है लेके। आप ही का वो किया हुआ था ना, आप उस दौरान भी, ये उस दौरान की बात है जब आप मेरे मम्मी पापा को पॉलिटिक्स में घेर के, हाँ, आप मुझे सिखा रही हैं पॉलिटिक्स, आपके जितना घटिया पॉलिटिक्स कभी किसी, मैंने किसी इंसान को, पहले सारे रिलेटिव्स के साथ खेला, आपने माँ बाप को, आप उस दौरान घर में इतनी टेंशन बाजी, इतना कलेश बाजी चल रहा था, और आप अपने उसी पॉलिटिक्स में मेरे माँ बाप को घेर के आप द्वारका जी दर्शन कराने ले गए। मैं उसी द्वारकाधीश से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज जो आपने किया है उसका फल भगवान आपको जरूर दे। आपने एक मर्यादा, मैं मतलब क्या कहूँ, मर्यादा, लाज, लिहाज, आपने हर एक सीमा पार नहीं की, हर एक सीमा रौंद के आपने एक हर एक रिश्ते को गाली दी। आपने एक देवर भाभी को छोड़ दीजिए, आपने आपने एक बहू के रिश्ते को गाली दी, आपने एक परिवार जिसको कहा जाता है उसको आपने गाली दी, मतलब मैं किसे अच्छा बनने के पास, और आज आपको लगता है कि ये सब होने के बाद आप अच्छे बन जाओगे, आज आपने YouTube पे अच्छे बन जाओगे, ठीक है, मेरे को YouTube पे अच्छा बनना भी नहीं है भाई, नहीं बनना, नहीं बनना, मुझे मेरे पति, मेरा ससुर, मेरा सास के आगे अच्छा बनना है, बस नहीं बनना YouTube पे, मुझे YouTube का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छी बहू का मुझे यहाँ अवार्ड मिले, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप निकी की डिलीवरी और उससे रिलेटेड आपने चीजें कही, अभी कहते कहते मुझे और एक बात ध्यान में आई, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो हस्बैंड वाइफ का इतना प्यार और वो आके दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपके आने वाली जिंदगी में आपस में और भी प्यार रहे, बहुत सारा प्यार रहे। एक दिन अगर आपको याद होगा, वो दिन निक्की को याद नहीं होगा, क्योंकि उस दिन निक्की मेरी जिंदगी में नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। बाबू जो है उसको निमोनिया हुआ है, ये बात सबको पता है कि बाबू जब शायद 6 महीने का था या 8 महीने का था, बाबू को निमोनिया हुआ था। अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ा सा ईमान बचा है ना, तो आप आके ये बात कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों हर जो मेरे भाई साहब के देवर खराब हो जाते हैं, मेरा भाई साहब जो उस बच्चे के पिता हैं, वो हॉस्पिटल में उस दिन अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ नहीं थे। ये इंसान था जिसको आज आप इतनी गालियां पड़वा रही है ना, ये इंसान हॉस्पिटल में लेके खड़ा था, और जब उस छोटे से बच्चे के अंदर, उस छोटी सी जान के अंदर जब सुइयां लगाई जा रही थी ना, तो आप जब रो के जिसका हाथ पकड़ रहे थे ना, वो यही हाथ था जो आज आपके, आपको इतना खराब लग रहा है। आपने वो दिन भी भुला दिया यार, आपने सीरियसली, मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या, मेरे को कब फर्क पड़ा यार लोगों से क्या नहीं, लेकिन मैं पीछे की हिस्ट्री जाके मैं ये देख रहा हूँ कि आपने क्या सोच के आपको ये लगा कि आपको ये कर देना चाहिए नहीं। अब मैं खैर इमोशनल नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आपने सारे इमोशंस मेरे खत्म कर दिए। अब सीधा बात करते हैं कि आखिर ये सब किया क्यों गया। ये सब किया इसलिए गया, बहुत ओपनली, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे घर में 2 किचन हो जाए, बस 2 किचन भी क्यों हो जाए। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि आपने जो पॉलिटिक्स रची और जिसकी वजह से आपके मायके से और आपके ससुराल के जो रिश्ते बिगड़े, उसकी आज की डेट में आप किसी के सामने माने ना माने, आप अकेले में आज रात को या ये वीडियो देखने के बाद आप पूछिएगा कि उसकी अकेली जिम्मेदार आप खुद हैं या नहीं है। तो आपका ये जो गेम है, निकी कैमरा थोड़ा सा लगे, आपका जो ये गेम है ना, वो अब सबको समझ में आ चुका है, आपको खुद समझ में आ चुका है कि आपका साथ देने के लिए आप कोई नहीं बचा है आपकी पर्सनल जिंदगी में, आसपास के जुड़े हुए लोगों में, इसलिए आपने इससे पहले कि वो ब्लेम आपके ऊपर आए और वो सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ आप ही उसकी जिम्मेदार हैं, ये सच सबके सामने है, उससे पहले आपने ये गंदा खेल आज खेल दिया और वो सारा का सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश की गई। क्योंकि आपकी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ यही थी कि क्योंकि ये मेरे मायके से और मेरे ससुराल से चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, आने वाले टाइम में मेरे घर में शादी है और भी तमाम फंक्शंस होते रहेंगे, फिर से मेरे ससुराल से कोई जाएगा नहीं मेरे मायके, आपको ये चीज़ बहुत क्लियर पता थी, मायके से कभी कोई कोशिश करेगा नहीं ससुराल से चीज़ें ठीक करने के लिए, इसलिए आपने सोचा कि मैं
इस तरीके से प्रपंच रच के सारा ब्लेम सुमित के ऊपर डाल के मैं अपने पतले रास्ते से निकल के अपने लिए एक अलग व्यवस्था करके और मैं बहुत अच्छे से बहुत सुख शांति से उसमें निकल जाऊंगी, सारा ब्लेम तो दूसरे के ऊपर आ ही गया कि उन लोगों की वजह से हुआ। इस चीज में आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, ये मैं आपको आज भी कहता हूँ। और रही बात इसकी फ्लोर वाइज और उसकी, ये फ्लोर शायद आपके लिए अलग फ्लोर और वो अलग फ्लोर होगा, मेरे लिए पूरा घर जिस दिन से बना था जब तक ये घर रहेगा वो घर एक ही है और वो ऐसे ही रहेगा। दूसरी बात ये आपसे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत क्लियर शब्दों में कि आज गंदगी की एक हद पार हो गई है, और बहुत मजबूरन जो मैं अभी तक सोचता रहता था ना कि मैं अपनी माँ को कभी नहीं लेके आऊँगा, आज आपने ऐसी स्थिति रख दी कि मेरी माँ का ये रूप मुझे लोगों के सामने ला के रखना पड़ा, और मेरे घर में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होंगे इससे, डेफिनेटली होंगे, और लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, जो मुझे गलत समझ रहे हैं, उन सबसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए लेके आया ताकि आपको सिर्फ एक ही पक्ष की बात ना समझ में आए, जो कि बिल्कुल झूठ फरेब और एक गलत मंशा से बनाया हुआ वीडियो था। आपको जो सही बातें थी, जो सही सच्चाई थी, उससे वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी था ताकि आप भी आने वाले समय में अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, सही क्या है गलत क्या है, सामने वाले ने बहुत स्मार्टनेस से उसका ब्लेम दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की है, आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें पब्लिकली, क्योंकि सब कुछ पब्लिकली है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर भी सामने वाले से डर के नहीं, मैडम मैं आपसे डरा नहीं हूँ, सर मैं आपसे डरा नहीं हूँ, लेकिन मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं आगे, अभी तक मेरी कोशिश रही थी, आज मजबूरन मुझे अपनी माँ को इस वीडियो में शामिल करना पड़ा, लेकिन आज के बाद आपको जो कहना है कहिए, जो करना है करिए, मैं जरूर आऊंगा। मैं इस चीज को कभी, वो आपको लग रहा हो अगर कि मैं इतना रोया इतना परेशान हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, अब तो मैं और ओपनली आऊंगा और मैं वो करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप जिस लेवल पे जाके आपको गिरना था आप गिर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरी कभी कोशिश नहीं रहेगी कि मैं अपने परिवार या किसी फैमिली मेंबर को इस सब चीजों में। और दूसरी चीज की बहुत इजीली बोल दिया जाता है कि पहले अच्छी थी अब खराब हो गई, तो पहले अच्छे थे आप अकेले थे, आप अच्छे तब कहलाते जब आप दूसरे जना भी आ गया है, जितने तब भी प्यार से मैंने आपको स्वागत किया था ना इस घर में, उतने प्यार से मेरा किया होता, उतना आपने अगर मेरी बीवी हर चीज में, आज ही हमारे रिश्ते ऐसे नहीं होते।